हाय दे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। गाइस डेरिवेटिव्स, जी हाँ, योर फेवरेट, माय फेवरेट। एक घंटे में ऑप्शंस, एक घंटे में फ्यूचर्स, पूरा का पूरा फ्रॉम द मैजिक बुक। मैजिक बुक आपको डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। जी हाँ, पूरा का पूरा ये एक एक जहां पे मेरे को आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, ये सारे के सारे एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस, बाइनोमियल ऑप्शन, ग्रीक्स एंड टाइप, एवरीथिंग। लेक्चर अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक डाले बिना मत जाना। प्लीज कमेंट्स करते रहना कि आपको आगे कौन से चैप्टर्स चाहिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं करवा चुका हूँ, डेरिवेटिव्स अभी अपना होने वाला है, और कौन से चैप्टर्स चाहिए, ये जो चैप्टर्स हो गए वो कैसे लगे, लेट मी नो एंड लेट द गेम बिगिन। सो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्शंस के साथ, एंड देन फिर अपन लोग करेंगे फ्यूचर्स। दोनों को मैं एक एक घंटा लूंगा, बट इन डेप्थ वे में ये रिवीजन करवाऊंगा। एग्जाम के पहले एटलीस्ट 3 बार कर लेना, एंड दैट विल बी द ग्रेट थिंग। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल, आई होप तुम लोग ने ज्वाइन कर लिया होगा, वहां पे हम लोग एमसीक्यूज डाल रहे हैं एवरीडे बेसिस पे, SCMT SFM का, तो वो काफी आप लोग को एक इंटरक्टिव वे में थ्योरी याद हो जाएगा, एंड दैट दैट रियली विल बी हेल्पफुल टू यू। सो काफी सारी चीजें हैं, ऑन योर वे, स्टे टिल दी एंड, टिल योर एग्जाम्स एंड मैराथन तक तुम लोग को मैं चैंपियन बना दूंगा इस सब्जेक्ट का, ये मेरा वादा है। कीप स्माइलिंग, लेट द गेम बिगिन फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। स्टार्ट हो रहा है पहले एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ, एंड देन वील टेक थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके देन, लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट बट अ लिटिल ट्रिकियर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 15 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, एंड इट हैज टू मेजर थिंग्स। वन इज डेरिवेटिव्स ऑप्शंस एंड अदर इज डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स। दोनों अपन लोग इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। लेट द गेम बिगिन। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बॉस, डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव्ड, वर्ड डिराइव्ड से आया ये डेरिवेटिव, फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब मैं क्या करता हूं पता है, कि एक एसेट को पकड़ लेता हूं, उसको बेस बना देता हूं, और उसके बेसिस पे प्राइसिंग करता हूं कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, मेरा FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर्स है, तो मैं बोलता हूं मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर्स विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच इंडियन टीम स्कोर्स इन द क्रिकेट मैच। तो अगर इंडियन टीम ने स्कोर किया 300 रन, तो माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेक्चर्स विल बी ऑफ 300। से मैजिक बुक का एग्जाम्पल लेते, सो मेरा जितना भी रन इंडियन टीम बनाएगी ना, उस दिन मेरा मैजिक बुक उतने प्राइस पे बिकेगा। सो इफ इंडियन टीम्स मेक 300 रन, देन माय मैजिक बुक विल बी सोल्ड एट 300। इफ इंडियन टीम मेक्स 100 रन ऑल आउट, देन इन दैट केस माय मैजिक बुक विल सेल एट 100 रुपीज। सो मेरा मैजिक बुक इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग। व्हाट इज द अंडरलाइंग? इंडियन क्रिकेट टीम कितना रन मारने वाली है, समझ में आया। एंड माय हियर सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ मैरी कॉम एंड प्रियंका चोपड़ा। So, प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम मूवी करके क्रोर्स ऑफ रुपीस कमाया, बट द अंडरलाइंग एसेट वॉज मैरी कॉम। अगर मैरी कॉम नहीं होती, देन इन दैट केस प्रियंका चोपड़ा जी इतना अच्छा मूवी नहीं बना पाती एंड इतने क्रोर्स ऑफ रुपीस नहीं कमा पाती। और एक मेरा एग्जाम्पल है कर्ड। कर्ड इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। अगर मिल्क नहीं होगा तो क्या आप कर्ड बना पाओगे क्या? द आंसर इज नो। सो दैट इज वॉट डेरिवेटिव इज, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट जिसका बेसिस अंडरलाइंग एसेट कोई और है, और वो अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट के ऊपर आपके डेरिवेटिव का मूवमेंट डिपेंडेंट है। तो अगर रिलायंस का फ्यूचर्स या ऑप्शंस है, तो रिलायंस का फ्यूचर्स या ऑप्शंस इज डिराइव्ड फ्रॉम रिलायंस का मेन शेयर्स। तो रिलायंस के मेन शेयर्स में जो बोलते हैं ना, अप एंड डाउन होगा ना, उसके बेसिस पे रिलायंस फ्यूचर्स का एंड ऑप्शंस का मूवमेंट होगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब डेरिवेटिव्स आइडियली यूज किसके लिए क्या चालू किया था पता है? इट वॉज स्टार्टेड फॉर द बिजनेस ओनर्स टू हेज देयर पोजिशन। भाई अगर मैं कोई बड़ा कंपनी हूं, जैसे रिलायंस, इंफोसिस, TCS और अडानी, देन इन दैट केस ये सब कंपनीज के ना बहुत बड़े एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कमिटमेंट्स होते हैं। अब इतने बड़े अगर मेरे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कमिटमेंट्स है, देन इन दैट केस अगर फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन हुआ, देन इट कैन हैम्पर मी बिग टाइम, बराबर है। तो अगर इंफोसिस ने कुछ सर्विसेज एक्सपोर्ट की है एंड आज है $1 = 80,
कल उड़ के हो गया $1 = ₹75, देन इंफोसिस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन फ्लक्चुएशंस। तो ऐसा ना हो इसके लिए इट विल एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीज द प्राइस। तो फॉरवर्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव ओनली। तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो वो भी एक काइंड ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो इसके लिए बिजनेस को हेज करवाने के लिए बनाया था डेरिवेटिव। बट पब्लिक के अंदर तो प्रॉब्लम है ही, पब्लिक के अंदर मस्ती है ही, तो उन्होंने उसको यूज करना चालू किया एज अ स्पेक्यूलेशन। नाउ व्हेन यू यूज दिस एज अ स्पेक्यूलेशन, होता क्या है, योर इंटेंट इज टू अर्न मनी बेस्ड ऑन फ्लक्चुएशंस ऑफ द मार्केट। वो बोलते हैं ना, अरे स्टॉक मार्केट तो पूरा गैम्बल है, दिस स्पेक्यूलेशन इज बेसिकली द गैम्बल का थिंग। सो अगर आपका प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन है विद द मूवमेंट ऑफ द मार्केट, देन इट इज कॉल्ड ए स्पेक्यूलेशन। एंड एज पर सेबी, 9 out of 10 पीपल लूज मनी इन स्पेक्यूलेशन। सो जिस चीज के लिए बनाया है उस चीज के लिए यूज करो ना। सो देर आर 3 पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट। एकदम मस्त बोलते हैं ना, फेवरेट क्वेश्चन है ICI का थियोरी का, क्या है वो 3 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, हेजर्स, आर्बिट्रेजर्स एंड स्पेक्यूलेशन। सो हेजर्स कौन कौन है, ऑल बिजनेस हाउसेस। तो ये अडानी हो गया, जैसा मैंने बोला रिलायंस है। तो से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है। अब अगर रिलायंस मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको पे करना है फ्यूचर में, डॉलर है पाउंड है जो भी उसको पे करना है। तो इट विल ट्राई टू हेज द पोजिशन इन सच अ वे कि भाई उसका आउटफ्लो पहले से डिसाइडेड हो एंड इट डज नॉट लूज एनी मनी। ये मैंने आपको खाली एक करेंसी टर्म्स में बताया। वैसे ही बिजनेस टर्म्स में जो मूवमेंट ऑफ शेयर्स एंड अदर अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, अपने आप को उससे हेज करने के लिए दीज थिंग्स आर यूज बाय द कंपनीज। तो हेजिंग उसके लिए यूज होता है टू प्रोटेक्ट, इंश्योर योर सेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ मूवमेंट इन करेंसी और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बट पब्लिक उसको स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज करने लगा कि अरे अगर ऊपर गया देन इन दैट केस मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, नीचे गया तो मैं अपने लॉस हो जाएगा। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन, इंटेंट टू अर्न प्रॉफिट बेस्ड ऑन मार्केट प्रिडिक्शंस। बट हेजर का काम क्या होता है, यूज डेरिवेटिव्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। एंड देन देयर इज समबडी कॉल्ड एज आर्बिट्रेजर। ये एकदम सुखी आदमी है बिकॉज आर्बिट्रेजर ऑलवेज मेक्स प्रॉफिट। सो ही सीज द इम्परफेक्शंस इन द मार्केट दैट आइडियली क्या रिलायंस फ्यूचर्स का कोट होना चाहिए, एंड रिलायंस का फ्यूचर्स का कोट अगर कुछ और है देन इन दैट केस देर इज अ इम्परफेक्शन इन द मार्केट, दैट पर्सन विल यूटिलाइज, द आर्बिट्रेजर विल यूटिलाइज दैट गेन टू हिज बेनिफिट। सो मेकिंग प्रॉफिट थ्रू मार्केट इम्परफेक्शन बाय डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज द रोल ऑफ आर्बिट्रेजर। तो डेरिवेटिव क्या होता है ये अपने को समझ में आ गया है। उसके बाद में पार्टिसिपेंट्स कौन है डेरिवेटिव मार्केट के समझ में आ गया है। अब अपन लोग आ रहे हैं डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अपन लोग ये रिविजन सेशन में करने वाले हैं, दैट इज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। सो और दो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे होंगे, फॉरवर्ड्स वो मैं डिस्कस करूंगा फॉरेक्स के रिवीजन में, एंड आपको दिख रहा होगा स्वॉप वो मैं डिस्कस करूंगा IRRM के चैप्टर में। सो एनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू हेज बेसिकली अपन लोग उसको एज अ डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। तो लाओ लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज ऑप्शंस। सो बेसिकली ऑप्शंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ध्यान से सुनना, कॉल ऑप्शन मींस राइट टू बाय, पुट ऑप्शन मींस राइट टू सेल। सो अब यहां पे आपको एक राइट दिया जा रहा है, ठीक है। राइट मतलब मेरे को एक्सरसाइज करना है तो मैं करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा। तो उसका फायदा क्या होता है, ध्यान से सुनो। सो कॉल ऑप्शन यहां पे है, ठीक है। आई हैव टेकन अ राइट टू बाय, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्राइक प्राइस पे मैंने राइट टू बाय फ्रीज कर दिया है। अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, आई हैव अ राइट टू बाय एट दिस प्राइस। ये प्राइस जो इसको मैंने फ्रीज किया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, जो मैंने आगे समझाया है, डोंट वरी। सो ये स्ट्राइक प्राइस पे जैसे ही मैंने मेरे प्राइस को फ्रीज कर दिया, अब I want the market to go up. Why? Because जैसे ही market ऊपर जाएगा, जैसे मैंने 100 के ऊपर मेरा स्ट्राइक प्राइस फ्रीज कर दिया है। अब मार्केट अगर गया 150 के ऊपर, मेरे पास क्या राइट है, राइट टू बाय एट 100 rupees। सो ये अगर मार्केट 150 पे गया तो आई हैव अ राइट टू बाय एट 100।
मार्केट में चल रहा है 150, मेरे को सीधा सीधा 50 रुपीज का फायदा हो जाएगा। एंड राइट टू सेल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। तो यहां पे मैं पुट ऑप्शन को मेरा फ्रीज कर दूंगा। तो जब मैं बोल रहा हूं मेरे पुट ऑप्शन को फ्रीज कर दूंगा, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। सपोज मैंने 100 रुपीज पे मेरे पुट ऑप्शन को फ्रीज कर दिया, अब अगर मार्केट नीचे जाता है, से मार्केट जाता है 80 रुपीज पे, देन इन दैट केस मेरे पास तो राइट टू सेल है। पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। तो आई हैव अ राइट टू सेल एट रुपीज 100। मार्केट चले गया है 80 पे, फिर भी मैं 100 पे बेच सकता हूं, मेरे को 20 रुपीज का फायदा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट ऑप्शंस मार्केट डज। बट सर अगर ऑपोजिट हो गया तो आपने राइट टू बाय लिया कॉल ऑप्शन, तो आप यहां पे बाय कर सकते हो, ठीक है। और सर समझो मार्केट 80 पे गया तो, देन इन दैट केस कोई बात नहीं, मैं मेरे राइट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, इसीलिए तो बोलते हैं राइट दिया है। तो सर ऐसे तो हर कोई यही करेगा, सो फॉर दिस यू हैव टू पे समथिंग कॉल्ड एज अ प्रीमियम। तो आपको अगर आपका स्ट्राइक प्राइस, जिसको मैं बोल रहा हूं कि एक्सरसाइज प्राइस है, इसको अगर आपको फ्रीज करना है, इस स्ट्राइक प्राइस को अगर आपको फ्रीज करना है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू यूज द प्रीमियम टू पे। तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एंड ये प्रीमियम पे करके ही आप आपके स्ट्राइक प्राइस को फ्रीज कर पाओगे। अब अगर आपका स्ट्राइक प्राइस से नीचे गया, कॉल ऑप्शन लिया है और मार्केट नीचे गया, देन इन दैट केस आपका जो प्रीमियम है दैट विल बिकम अ लॉस। बट अगर मार्केट ऊपर गया, देन इन दैट केस यू कैन मेक अ प्रॉफिट। बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रीमियम है वो आपका कॉस्ट लग गया है, अब अगर प्रॉफिट हुआ तो उतना प्रीमियम का कॉस्ट माइनस हो जाएगा। अगर आपने राइट एक्सरसाइज ही नहीं किया, देन इन दैट केस आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट है बाय डिफॉल्ट दैट विल बिकम अ लॉस। आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन एंड व्हाट इज अ पुट ऑप्शन। अब इसमें दो तरह के ऑप्शन के जो यू कैन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर। तो जो अभी मैंने आपको बताया उसी सब ऑप्शन बायर के एंगल से बताया, आई हैव अ राइट टू बाय, आई हैव अ राइट टू सेल, ठीक है। सो मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मेरे पास राइट टू बाय फ्रीज डेट स्ट्राइक प्राइस, और मैं ये सब कैसे कर रहा हूं, बाय पेइंग द प्रीमियम। तो मैंने अभी आपको जो बताया वो पर्सपेक्टिव ऑप्शन बायर का था। बट नाउ इमेजिन के ये सब मुझे जो मेरे को प्रीमियम पे करना है, और ये जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है वो मुझे कौन दे रहा है, द अदर पार्टी इज कॉल्ड एज द ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिलता है, उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, कभी कभी ऑप्शन सेलर भी बोलते हैं। तो दैट ऑप्शन सेलर गेट्स द प्रीमियम। तो अगर मार्केट जैसा मैंने सोचा कि भाई राइट टू बाय है, ऊपर जाना चाहिए, और उसके जगह पे अगर मार्केट नीचे गया, देन इन दैट केस आई विल नॉट एक्सरसाइज द राइट, तो मेरा लॉस प्रीमियम का हो जाएगा। जो मेरा लॉस है वो उसका प्रॉफिट है, वो प्रीमियम उसके पास आ जाएगा। और अगर समझो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, देन इन दैट केस उसको उतना लॉस हो जाएगा, बिकॉज देन ही हैज टू बोलते ना, जो भी मेरा डिफरेंस है वो उसको रीपे करना पड़ेगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ ऑप्शन बायर एंड व्हाट इज अ ऑप्शन सेलर। अब कुछ ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, विच विल बी यूज्ड अहेड। सो कॉल राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन होता है कि भाई अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं राइट को, तो ही हैज टू ऑब्लिगेट। मतलब अगर मेरा राइट टू बाय है और मार्केट ऊपर गया, देन आई विल एक्सरसाइज द राइट, तो ही इज ऑब्लिगेटेड टू एंश्योर कि मैं मेरे राइट को एक्सरसाइज कर सकूं। और अगर मैं बोलता हूं मेरे को मेरा राइट एक्सरसाइज नहीं करना है, जो मेरा प्रीमियम है वो मेरा लॉस है, देन ऑल्सो ही इज हैप्पी, बिकॉज उतना प्रीमियम उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सो यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जो प्राइस पे आप फ्रीज कर देते हो आपका अमाउंट, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक प्राइस। प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी बॉट और सोल्ड, और इसको अपन लोग बोलते हैं प्राइस एट विच बाइंग और सेलिंग प्राइसेस फ्रीज। फिर होता है एक कॉल होल्डर, पुट होल्डर, जो कॉल बायर होता है उसको बोलते हैं कॉल होल्डर। तो जैसा मैंने बोला कि अपन लोग ने कॉल ऑप्शन बाय किया है, पुट ऑप्शन बाय किया है, वी आर द कॉल होल्डर्स। जिसने अपने को सेल किया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द कॉल राइटर या कॉल या पुट सेलर, ठीक है। मार्केट प्राइस, जो मार्केट चल रहा है, तो मैंने स्ट्राइक प्राइस 100 पे फ्रीज किया है। मार्केट जो अंडरलाइंग एसेट है, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, वो अगर 150 पे गया, देन इन दैट केस मेरे को फायदा हो जाएगा। तो वो मार्केट प्राइस किसका, अंडरलाइंग एसेट का। अब ये मैं जिंदगी भर तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं बोलता हूं मैंने राइट टू बाय 100 पे फ्रीज कर दिया है, तो क्या जिंदगी भर के लिए मेरे लिए फ्रीज हो गया? नहीं, देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट, उसको बोलते हैं एक्सपायरी, कि भाई कितने ड्यूरेशन के लिए आपने वो एक्सरसाइज, अपने वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके लिए फ्रीज रहेगा। यूजुअली इट इज 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। ऑप्शन प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो कॉल राइटर को फॉर फ्रीजिंग द प्राइस, एंड आपके पास जो एक राइट आ जाता है उसके लिए आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है ना। सो कॉल होल्डर जो होता है उसके पास राइट टू बाय होता है,
पुट होल्डर के पास होता है राइट टू सेल, एंड ऑब्वियसली सेलर के पास ऑब्लिगेशन टू सेल एंड ऑब्लिगेशन टू बाय. सो कॉल होल्डर को चाहिए कि प्राइस इंक्रीज हो तो उसको फायदा होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसको लॉस होगा. यही कॉल राइटर को ऑपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा, एंड एज वी कैन सी हियर. ठीक है ना, इसको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन भी बोलते हैं. तो लॉन्ग बेसिकली, लॉन्ग का मतलब होता है बाय एंड शॉर्ट का मतलब होता है सेल. लॉन्ग कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, लॉन्ग पुट का मतलब होता है राइट टू सेल. ये आगे अपने को यूज आएगा, तब मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. फिर एक होता है अमेरिकन ऑप्शन एंड दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन. अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है एंड ये ऑप्शन को आप कभी भी एक्सपायरेशन तक एक्सरसाइज कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एज अमेरिकन ऑप्शन. इफ यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टिल एनी डे ड्यूरिंग द टिल द एक्सपायरी, ठीक है ना, तो मैंने 3 महीने का लिया तो 3 महीने में कभी भी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, इट इज कॉल्ड एज अमेरिकन ऑप्शन. बट यूरोपियन ऑप्शन क्या बोलता है, ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द यूरोपियन ऑप्शन. ऑलवेज एग्जीक्यूशन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरेशन. नाउ अगर आपको अमेरिकन ऑप्शन इतना अच्छा बेनिफिट दे रहा है कि पूरे 3 महीने में कभी भी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, सो ऑब्वियसली उसका प्रीमियम ज्यादा होता है. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी ऑप्शन. सो इन द मनी का मतलब होता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. मतलब अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है एंड इफ द मार्केट इज गोइंग अप, देन इन दैट केस आई विल से इट इज इन द मनी. मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस जिसको मैंने फ्रीज कर दिया है वो है ₹775 एंड मार्केट है 790 पे, एंड से मैंने प्रीमियम पे किया है ₹10. ठीक है, सो अब अगर मार्केट 790 पे पहुंच गया है और मेरा एक्सरसाइज प्राइस कॉल ऑप्शन का है 775, सो आई हैव अ राइट टू बाय एट 775. मैंने उसको फ्रीज कर दिया है तो मैं 775 पे बाय करूंगा. मार्केट 790 पे, मैं बाय करके मार्केट में 790 पे सेल कर दूंगा. ₹15 का प्रॉफिट आया, उसमें से ₹10 मैंने प्रीमियम पे किया हुआ है तो ₹5 मेरा नेट प्रॉफिट आया. मतलब आई वॉज इन द मनी. तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वैसे ही अगर मार्केट मूव कर रहा है, देन इट इज सेड दैट आई एम इन द मनी. व्हेन प्राइस ऑफ अ डेरिवेटिव इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, इट इज कॉल्ड एज इन द मनी. फिर एक होता है आउट ऑफ द मनी. आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, जहां पे आपको लॉस हो रहा है. तो अगर मैंने समझो पुट ऑप्शन बाय किया, आई वांट द मार्केट टू गो डाउन, बट समझो सेम सिचुएशन है, एक्सरसाइज प्राइस 775 और मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर चले गया, तो अब आई विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज आउट ऑफ द मनी. व्हाई इज इट आउट ऑफ द मनी? बिकॉज मेरे को यहां पे लॉस हो रहा है, बिकॉज मेरे पास राइट टू सेल है 775 का और मार्केट पहुंच गया है 790 पे, तो मैं यहां पे सेल करूंगा 775 पे, पब्लिक तो 790 पे हाई पे सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल मेक मोर प्रॉफिट, तो इसके अच्छा मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा. सो देयरफॉर यहां पे एक्सरसाइज प्राइस इफ इट इज लेस देन द मार्केट प्राइस, देन आई विल से आई एम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इन केस ऑफ पुट ऑप्शन. तो ध्यान रखना, व्हेन एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस तो फिर आप इन द मनी हो कॉल ऑप्शन में, बट वेन एक्सरसाइज प्राइस इज मोर देन मार्केट प्राइस देन यू आर इन द मनी इन द पुट ऑप्शन. ध्यान रखना, ठीक है ना. सो अगर एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का कंपेरिजन कर रहा हूं तो एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, सो यहां पे राइट टू सेल पुट ऑप्शन विल गेन. सो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है जैसा आपको चाहिए था, कॉल ऑप्शन में मार्केट शुड गो अप, इफ इट इज गोइंग यू आर इन द मनी, इफ इट इज गोइंग डाउन यू आर आउट ऑफ द मनी. पुट ऑप्शन में यू वांट द मार्केट टू गो डाउन, इफ इट इज गोइंग डाउन यू आर इन द मनी, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द मनी. आई होप वी आर वेरी क्लियर. फिर बाद में यहाँ पे मैंने एक एसके इन्फो करके दिया है जहां पे प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया दिया है, दैट ऑल ऑफ दिस इज एडजस्टेड थ्रू द प्रीमियम. सो आई होप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी क्लियर हो गया होगा. एट द मनी मतलब एवरीथिंग इज एट लेवल, नो प्रॉफिट नो लॉस. देन एक कॉन्सेप्ट आता है इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रीमियम. तो जो आप ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहे हो ना, क्यों ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहे हो? टू फ्रीज योर राइट टू बाय और राइट टू सेल. तो ये जो प्रीमियम पे कर रहे हो इसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दूसरा होता है टाइम वैल्यू. नाउ सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. आपका एक्सरसाइज प्राइस है 2340 एंड मार्केट प्राइस है 2345, देन इन दैट केस कैन आई से, अगर आप राइट टू बाय 2340 पे फ्रीज करते हो
और मार्केट 2, 3, 4, 5 पे है तो 5 रुपए का सीधा सीधा आपको फायदा हो जाएगा, बराबर है। बट ऑब्वियसली इतना इजीली तो आपको मिलेगा नहीं वो फायदा, तो आपको इस लेवल पे प्रीमियम पे करना है। सपोज आपको बोल रहे हैं वो लोग कि 8 रुपीज आपको प्रीमियम पे करना है, तो 8 रुपीज प्रीमियम पे करना है ना, तो उसमें से जो 5 रुपीज यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिख रहा था ना, वो पार्ट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड 3 रुपीज इज कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज तो ये आर्बिट्राज जैसा हो जाएगा ना कि मैं प्रीमियम ही पे ना करूं, सीधा राइट टू बाय मेरे को 2, 3, 4, 0 पे मिल गया, मैं सीधा मार्केट में जाके 2, 3, 4, 5 पे सेल करूंगा, हो गया 5 रुपीज का प्रॉफिट। बट नो, दैट विल नॉट हैपन। तो आपका जो प्रीमियम है वो आपके वो इनिशियल प्रॉफिट को कट कर देगा, फिर ऑब्वियसली जब मार्केट 2, 3, 4, 8 के ऊपर जाएगा दैट टाइम यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। आई होप यू आर क्लियर। सेम वे पुट ऑप्शन का, अगर समझो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 2, 3, 4, 0 एंड मार्केट आई वॉन्टेड टू गो डाउन एंड मार्केट गया भी नीचे ही है मार्केट से 2, 3, 3, 0 पे, तो टिल 10 रुपीज अगर प्रीमियम चार्ज हो रहा है तो इट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, बट अगर 10 से ज्यादा प्रीमियम चार्ज हो रहा है तो उतना जो एक्स्ट्रा पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू। तो अगर 2, 3, 4, 0 पे मेरा पुट ऑप्शन है, मार्केट 2, 2, 3, 2, 3, 3, 0 पे है, देन इन दैट केस अगर 15 रुपीज प्रीमियम है तो उसका जो 10 रुपीज तक का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। 10 से एक्स्ट्रा जो भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू। सपोज सर अगर 10 के जगह पे खाली 7 रुपीज अपने से प्रीमियम ले रहे तो जितना भी प्रीमियम ले रहे हैं ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कवर होता है फिर बाद में टाइम वैल्यू। तो से फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 0 पे एक्सरसाइज प्राइस चल रहा है एंड मार्केट प्राइस भी 2, 3, 4, 0 पे एंड 5 रुपीज अगर अपने को वो प्रीमियम पे करने को बोल रहा है, देन ऑल ऑफ दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ऑलराइट गाइस, सो जितना इन द मनी है ना वो उतना प्रीमियम का पार्ट, समझ रहे हो कनेक्ट समझ रहे हो तुम, जितना मेरा वो इन द मनी है उतने प्रीमियम का पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड उसके बियॉन्ड अगर कुछ है देन इट इज कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू। सपोज एक्सरसाइज प्राइस 2, 3, 4, 0 पे राइट टू बाय का, ठीक है, एंड मार्केट है अभी 2, 3, 4, 2, 3, 3, 5 पे, ठीक है ना। सो एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे, मार्केट अभी नीचे है और फिर भी वो आपसे 5 रुपया प्रीमियम ले रहा है, पूरा का पूरा 5 रुपया कहाँ पे जाएगा? यस, इट विल गो इन द टाइम वैल्यू। सो इधर देखना एक बार, पार्ट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम दैट रिप्रेजेंट्स एक्सटेंड्स टू विच ऑप्शन इज इन द मनी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट ऑप्शन ओनर वुड रिसीव इफ ऑप्शन वर एक्सरसाइज। मतलब जितना मेरे को अभी फायदा हो रहा है उतना जो प्रीमियम है दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। The over and above part will be called as the time value. So time value is basically premium, jitna bhi hai total premium minus IV, which is the intrinsic value. And finally, ab apan log aa rahe hai payoff table ke upar. To jo bhi call option hai, usme mere ko chahiye market price upar ho, zyada ho. So market price minus मेरा जितना भी एक्सरसाइज प्राइस है ये मेरा प्रॉफिट है, बट वेट, प्रॉफिट के साथ साथ मेरा एक प्रीमियम पे किया है तो वो मेरा कॉस्ट है, तो वो प्रीमियम माइनस हो जाएगा भैया। वो बचने के बाद जो है दैट विल बी कॉल्ड एज नेट गेन और नेट लॉस। एंड अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करता हूं तो पुट ऑप्शन में आई वॉन्ट द स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस टू बी हायर एंड आई वॉन्ट द मार्केट टू बी लोअर, बराबर है कि नहीं। सो यहां पे एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, बट याद रखना इधर भी प्रीमियम पे किया है तो वो माइनस हो जाएगा, जो बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज माय नेट गेन और लॉस। जितना भी मैं गेन कर रहा हूं उतना ऑप्शन सेलर, मैं आपको पूरा ऑप्शन बायर के नजरिए से पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, उतना ऑप्शन सेलर का लॉस होगा, जितना मेरा लॉस होगा उतना ऑप्शन बायर जितना ऑप्शन सेलर का लॉस होगा उतना ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा एंड वाइस वर्सा। आयो वी आर क्लियर। सो यहां पे आप लोग देख सकते हो पे ऑफ टेबल। तो सपोज अभी अगर स्ट्राइक प्राइस मेरा है 42 का एंड प्रीमियम 2 रुपीज का पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस चले जाता है 43 के ऊपर, देन इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज 43 मतलब मार्केट प्राइस इज अबव एक्सरसाइज प्राइस, सो मैं एक्सरसाइज करूंगा। जैसे ही एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर मार्केट प्राइस गया और कॉल ऑप्शन है आई विल एक्सरसाइज इट, तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूंगा तो 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। 42 का एक्सरसाइज प्राइस है, 43 का मार्केट है, तो 1 रुपए का फायदा हुआ, बट मैंने 2 रुपया एज अ प्रीमियम पे किया है तो 1 रुपए का लॉस हुआ। अब आप बोलोगे कि सर लॉस ही करना है तो प्रीमियम
मतलब तो एक्सरसाइज नहीं करते ना, नहीं ना, अगर एक्सरसाइज नहीं किया पूरा ही छोड़ दिया तो 2 रुपए का प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। एटलीस्ट मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करके 1 रुपया तो सेव कर रहा हूं, तो एटलीस्ट लॉस मेरा खाली 1 रुपए का हो रहा है। एंड अगर यही पुट ऑप्शन है, मैंने पुट ऑप्शन लिया है, पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है मेरा 40 एंड मार्केट प्राइस चले जाता है 36 विच इज डाउन, सो इन दैट केस राइट टू सेल इज एट 40, मार्केट चले गया 36 पे, 4 रुपीज का प्रॉफिट, बट उसमें 1 रुपया प्रीमियम दिया है तो नेट गेन मेरा हो जाता है 3 रुपीज का। सो आई होप इतना पूरा क्लैरिटी आ गया होगा। दिस वॉज ऑल द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन जो भी अभी अपन लोग ने किया, एंड अब अपन लोग चल रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज द वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। सो बेसिक्स में अभी तक आप लोग ने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये ऑप्शंस में है ना, दो पार्ट है बेसिकली, एक पार्ट है बेसिक्स का और दूसरा पार्ट है वैल्यूएशन का। इसमें से अपना फर्स्ट पार्ट तो पब्लिक हो गया है। फर्स्ट पार्ट में अपन लोग ने पूरा समझने की कोशिश की कि भाई क्या होता है मीनिंग ऑफ ऑप्शंस एंड ऑल ऑफ दैट, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। फिर बाद में अपन लोग ने समझने की कोशिश की इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस क्या होता है। फिर बाद में अपन लोग ने समझने की कोशिश की कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है। फिर बाद में अपन लोग ने समझने की कोशिश की कि ये पे ऑफ टेबल क्या होता है। अब अपन लोग आ रहे हैं वैल्यूएशन के ऊपर। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज समझना कि मैंने ना ये एसके नोट्स में यही वाली बात बताई है दैट द होल गेम ऑफ ऑप्शंस इज बेस्ड ऑन द प्रीमियम। तो यहां पे जब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मैं आपको देखो यहां पे एक एग्जांपल भी दिया है, इससे आपको समझ में आएगा। दैट सपोज मार्केट प्राइस है 350, एक्सरसाइज प्राइस है 350 और मैंने प्रीमियम पे किया 20, तो 20 रुपीज का मैंने प्रीमियम पे किया। जब मैंने 20 रुपीज का प्रीमियम पे किया तब एक्सरसाइज प्राइस वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस है 350। नाउ मैंने कॉल ऑप्शन लिया है तो आई वांट द मार्केट टू गो अप, तो अब मार्केट समझो 350 से 375 पे गया तो ऑब्वियसली मेरे को 25 रुपीज का फायदा हुआ। 350 था, 375, आई हैव अ राइट टू बाय 350, मार्केट 375 पे गया तो 25 रुपीज मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट किधर हो रिफ्लेक्ट होता है पता है क्या, इन द प्रीमियम। तो पूरा गेम ऑप्शंस का है ना रियल लाइफ में प्रीमियम के ऊपर है। तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम 20 में मैंने किया था बराबर है, तो इट इज लाइक मैंने ऑप्शन खरीदा 20 रुपीज का प्रीमियम पे करके। अब वो ऑप्शन का वैल्यू ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा एंड व्हेन आई हैव टू सेल आई विल गेट दैट प्रीमियम ऑफ ₹45। तो बाई डिफॉल्ट मेरा ये जो 25 रुपीज का एडजस्टमेंट है ना दैट इज डन थ्रू द प्रीमियम। अब समझो कल उठ के 375 से 360 पे हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम उतना कम हो जाएगा। तो प्रीमियम जो मैंने खरीदा था 20 रुपए में अब मैं उसको 30 रुपीज में बेच पाऊंगा अगर थोड़ा मार्केट वहां से गिर गया तो। सो दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो यहां पे आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट प्रीमियम इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर इज द मेन पॉइंट, अब आपको वो प्रीमियम वैल्यू करना आना चाहिए। सो वैल्यूइंग एन ऑप्शन मींस कैलकुलेटिंग एंड नोइंग व्हाट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज करेक्ट और एप्ट प्रीमियम, दैट इज ऑप्शन बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट करेक्ट प्राइस और प्रीमियम। समझ रहे हो? सो ये जो प्रीमियम का कैलकुलेशन है ना ये बहुत बड़ा गेम है भैया। सो ये प्रीमियम आपने बराबर कैलकुलेट किया है या नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द प्रीमियम, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। अगर आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो मार्केट में 20 रुपए का प्रीमियम दिखा रहा है और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 18 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है, देन इन दैट केस यू विल से दैट द ऑप्शन इज ओवर वैल्यू। बराबर की नहीं भाई? आइडियली मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसको बोलते हैं थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूलाज जो मैंने अप्लाई किया उसके हिसाब से 18 रुपीज का प्रीमियम आना चाहिए, पर मार्केट में सेम चीज का 20 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो इट इज लाइक दिस कि ये कैलकुलेटर 18 रुपए में, इसका राइट प्राइस 18 रुपए में बिकना चाहिए बट मार्केट में इसको 20 रुपए में अगर बेच रहा है कोई तो आप खरीदोगे क्या? द आंसर इज नो। सो यहां पे इफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन जैसा मैंने आपको बताया अगर 20 रुपया है एंड मार्केट प्रीमियम इज 18, देन इन दैट केस वी विल से वैल्यू ऑफ ऑप्शन ज्यादा। मतलब क्यों भाई ज्यादा प्रीमियम ले रहे हो? तुम ओवर प्राइज्ड हो, ओवर वैल्यूड हो, आई विल सेल इट इफ आई हैव, या मैं बाय ही नहीं करूंगा। बट अगर वाइस वर्सा है, मेरे हिसाब से इसका वैल्यू होना चाहिए 18 रुपया बट मार्केट में ये मिल रहा है 15 रुपए में, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका, एक ना मैंने शायद उल्टा लिख दिया यहां पे। मार्केट में अगर से फॉर एग्जाम्पल इसका रियल वैल्यू है 15
बट मार्केट में अगर ये बिक रहा है 12 रुपए में, देन इन दैट केस आई विल से दैट यस आई वॉन्ट टू परचेज इट. क्यों? क्योंकि इसका रियल वैल्यू तो 15 है, बट मेरे को मार्केट में कितने में मिल रहा है? मेरे को मार्केट में 12 रुपए में मिल रहा है. सो अगर यहां पे मार्केट प्रीमियम, सो यर आई विल से ओ भाई. सो यहां पे देखो, कभी कभी आपका अगर ध्यान होगा ना तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी. गेम थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब लॉजिकली कभी कभी है ना, अपन लोग रिविजन लेक्चर के इतने फ्लो में होते हैं कि ध्यान में नहीं रहता है क्या चल रहा है. तो चांसेस होना है तो जाग जाइए. यहां पे देखो, अब लॉजिकली वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो सही वैल्यू है दिस, इसको मैं बोल सकता हूं ट्रू सही वैल्यू ऑफ ऑप्शन होना चाहिए 15. ठीक है, 15 रुपए में बिकना चाहिए. बट अगर मार्केट में ये बिक रहा है 18 में, इट इज लाइक दिस, ये कैलकुलेटर का वैल्यू होना चाहिए 15, बट बाहर मार्केट में कोई 18 में बेच रहा है, तो आप खरीदोगे क्या? नेवर. सो सेल या नॉट टू बाय. अगर आपके पास है और मार्केट में 18 रुपए में बिक रहा है तो बेच दो बॉस, इसका वैल्यू 15 रुपया ही है. एंड वाइस वर्सा हुआ कि भाई ये ट्रू वैल्यू 12 का है और मार्केट में 10 रुपए में बिक रहा है, तो बॉस मैं बोलता हूं बाय कर लो, क्योंकि इस कैलकुलेटर का रियल वैल्यू, इस ऑप्शन का रियल वैल्यू 12 रुपए है, बट अपने को तो 10 रुपए में मिल रहा है ना पब्लिक. तो अगर अपने को कम में मिल रहा है तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर अ बाय. तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे थोड़ा सा साइन ऊपर नीचे हो गया है, बस वो साइन के ऊपर नीचे कर दीजिए लॉजिकली, बट करना. एंड मैंने ये जो एग्जांपल लिखा है, आई होप उससे आपको क्लैरिटी आ गया होगा. सो कॉल या पुट अगर अंडर वैल्यू होगा तो बाय कर लो, कॉल या पुट अगर ओवर वैल्यूड होगा तो उसको सेल कर लो, या अगर बाय नहीं करना है तो भी चलेगा, होल्ड कर लो. अब वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन करना क्यों जरूरी है? ताकि मुझे पता चले कि ये बाय कर सकता हूं या नहीं. अगर इट इज ओवर वैल्यूड तो नहीं बाय करूंगा, अंडर वैल्यूड है तो डेफिनेटली बाय करना ही चाहिए मेरे को. बट ये वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करना भी तो आए. मार्केट प्रीमियम तो मुझे चलो समझ में आ गया कि वो तो गिवन होगा, जो मार्केट में चल रहा है वो दिया होगा, बट ट्रू वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करना इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे बाइफरकेट किया है उसको 3 मेथड में. एक बेसिक मेथड यूजिंग एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. फिर बाइनोमियल मेथड जो एग्जाम में आ सकता है उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है. और फिर ब्लैक एंड शोल्स मॉडल, जो आई डोंट थिंक सो आज तक आया है, या एक बार आया है खाली, उसके अलावा कभी नहीं आया, बट फिर भी उसका भी मैंने एक आइडिया लिया है. सो लेट्स सॉल्व ऑल दीज 3 मेथड्स, एंड अगर ये 3 मेथड हो गए देन ट्रस्ट मी अपना पूरा का पूरा ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएगा. तो चलो लेट्स ब्रिंग इट ऑन. तो सबसे पहला मेथड है मेरा बेसिक मेथड यूजिंग एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी. सो इन दिस केस क्या होगा पता है क्या? आपको एक्सरसाइज प्राइस दिया होगा और मार्केट प्राइस दिया होगा. अब मैं जब कोई भी ऑप्शन खरीदने जा रहा हूं, मैं जब कोई भी से फॉर एग्जांपल रिलायंस का ऑप्शन खरीदने जा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे प्राइजेस हैं. तो आई ऑलवेज वांट कि मैं अगर कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं तो मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो दैट शुड ऑलवेज बी लोअर देन द मार्केट प्राइस. सो आई ऑलवेज वांट द मार्केट टू गो अप. तो मार्केट प्राइस यहाँ पे है, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द वे आई फील. ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी देना चालू करता हूं कि मुझे लग रहा है कि यार इतना मार्केट होगा, बट देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि नीचे भी चले जाए मार्केट. सो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मेरे पास अलग अलग लेवल के मार्केट प्राइसेस आ जाएंगे. एक्सरसाइज प्राइस तो मैं 300 पे फ्रीज कर ही रहा हूं, बट अलग 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 मार्केट प्राइसेस के हिसाब से. तो कुछ मार्केट प्राइस में मेरे को फायदा होगा, कुछ मार्केट प्राइस में मेरे को लॉस होगा. तो अभी ये ICAI का एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन, उसको मैंने बेस एग्जांपल लिया है. तो अभी समझो मेरे को पुट ऑप्शन को वैल्यू करना है. ठीक है, तो नाउ इन पुट ऑप्शन आई वांट द मार्केट टू गो डाउन. ठीक है, तो मार्केट जितना नीचे जाएगा वो मेरे लिए इन द मनी है. तो यहां पे मैंने एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज किया है 300 पे. अब अगर मार्केट हो जाता है 180 तो मेरे लिए इन द मनी है. तो 120 का मेरे को फायदा हुआ, आई विल से यस ये मेरे को एक्सरसाइज करना चाहिए. अगर 300 है मेरा एक्सरसाइज प्राइस, आई वांट द मार्केट टू गो डाउन, 260 पे गया, यस आई विल एक्सरसाइज. 280 पे गया तो भी 300 से कम है, आई विल एक्सरसाइज. बट अगर 300 का 320 जाता है, या अगर 300 का 400 जाता है, देन इन दैट केस आई विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एट ऑल. एंड वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो वो लैप्स हो जाएगा. तो जितना मेरा प्रोबेबिलिटी है एक्सरसाइज होने का, तो 300 का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट प्राइस सपोज 180 पे गया, तो 120 का मेरे को फायदा हो सकता है. उसका फायदा होने का चांसेस कितना है?
10%, तो 12 रुपया मैं यहां पे कमा सकता हूं। 40 होने का चांसेस, 40 रुपीज फायदा होने का चांसेस 20%, 8 रुपया कमा सकता हूँ। 20 होने फायदा होने का चांसेस 50%, 10 रुपया कमा सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं टोटल इस ऑप्शन के ऊपर 30 रुपीज कमा सकता हूं। तो क्या मैं 30 रुपीज से ज्यादा का प्रीमियम दूंगा क्या? द आंसर इज नहीं। तो मेरे लिए एप्ट प्रीमियम क्या है इस पार्टिकुलर केस में? 30 रुपीज। एंड दिस इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन यूजिंग, बोलते हैं ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी मेथड्स। समझ में आया? सो उसका भी देखो फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस क्या बनता है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 180, अभी पुट ऑप्शन अपन लोग कर रहे थे तो पुट ऑप्शन कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज प्राइस 300 माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, अगर पॉजिटिव है ये देन मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और अगर नेगेटिव है देन 0। सो यहां पे मेरा एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस फर्स्ट 3 केस में पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, तो मैंने उसको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और बोला कि भाई इतना चांस है मेरे को इस केस में, मतलब मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। तो जितना कमा सकता हूं मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है। इट इज लाइक द ब्रेक इवन पॉइंट करके, राइट। सो दैट बिकम्स माई वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। एंड इसी के जैसा मेरा दूसरा है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, उसमें ऑपोजिट होगा, आई वांट द मार्केट टू गो अप। सो एक्सरसाइज प्राइस माइनस द, सॉरी, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज ऑप्शन इन एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी, अगर ये पॉजिटिव आता है आई वांट द मार्केट टू गो अप। सो जितना मार्केट प्राइस ज्यादा होगा माइनस एक्सरसाइज प्राइस उतना पॉजिटिव होगा, उतना इट इज गुड फॉर मी, आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय द प्रोबेबिलिटी, अगर नेगेटिव है देन 0। सो आई होप अपना फर्स्ट जो बेसिक मेथड है वो अपने को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन लोग सेकेंड मेथड के ऊपर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज द बाइनोमियल। अब ये मॉडल के नाम में है ना, इसका तरीका छुपा हुआ है। बाय बाय का मतलब होता है टू। सो बायनोमियल मॉडल मतलब इसमें दो प्राइजेस का एक्सपेक्टेशन होता है, एक प्राइस विल गो अप, एक प्राइस विल गो डाउन। प्राइस विल गो अप का प्रोबेबिलिटी, प्राइस विल गो डाउन का प्रोबेबिलिटी, और उन दोनों के कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर आई विल गेट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब एकदम डिटेल में जाना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिफर माय डिटेल वीडियो, बट फॉर नाउ एटलीस्ट आई विल टेल यू द स्टेप्स। रिवीजन वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा जिससे आप सम सॉल्व कर पाओगे, बट उसके पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए विच विल बी यूजिंग इन द फॉर्मूलाज। बट फिर भी आपको से एक आइडिया दे देता हूं। बायनोमियल, बाय मीन्स टू, मतलब या तो प्राइस ऊपर गया तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइस नीचे गया तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मुझे पता चलेगा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब यहां पे कुछ टर्म्स है, जैसा मैंने बोला आपको, एक है एस स्पॉट प्राइस, फिर है एक्सरसाइज प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज, फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे यूएस अपर प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल, मतलब मेरा मार्केट प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। डाउन, डीएस, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल, मतलब मेरा स्टॉक प्राइस कितना नीचे जा सकता है। ओके, अब फिर बाद में है डी, विच इज डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस, मतलब जो मेरा करंट स्पॉट प्राइस है उससे कितना टाइम्स ऊपर या उससे कितना टाइम्स नीचे मेरा प्राइस गया है, दैट इज डिफाइंड बाय डी एंड यू। फिर बाद में है सी यू, वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल, सब बताऊंगा आपको। वैल्यू ऑफ कॉल एट लोअर डाउन लेवल इज सी डी, आर इज रिस्क फ्री रेट एंड टी इज द टाइम पीरियड। तो चलो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले आपको बनाना होता है ये बाइनोमियल ट्री मॉडल, इसमें आपको ये ऊपर के सारे नोटेशन लिस्ट डाउन करने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो आपको क्वेश्चन स्पॉट प्राइस देगा, आपको यहाँ पे लिखना है स्पॉट प्राइस, फिर बाद में कितना मार्केट ऊपर जा सकता है। तो से फॉर एग्जाम्पल ये है 50, अपने को लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है अप टू ₹75, तो वो बन जाता है आपका यूएस। समझ में आया? प्राइस ऑफ स्टॉक अपर स्टॉक पॉसिबल, फिर प्राइस कितना नीचे जा सकता है, ऐसे फॉर एग्जांपल ये जा सकता है 40 पे, वो बन जाता है मेरा डीएस।
प्राइस ऑफ डाउन स्टॉक पॉसिबल, तो जो जो भी मेरा यहां पे होते जा रहे हैं मैं उसको मार्क करते जाता हूं, सो दैट आपको भी क्लैरिटी आते जाएगा। तो एस स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, यूएस कितना ऊपर जा सकता है, डीएस कितना नीचे जा सकता है, फिर बाद में आता है यू और डी। तो अब यहां से 50 से 75 गया, तो कहना इसे 1.5 टाइम्स बढ़ा। कैसे हुआ 1.5 टाइम्स, तो 70 डिवाइड बाय 150 करता हूं तो आता है 1.5। तो मेरा ये जो यू है ना दिस इज 1.5, और मेरा ये से फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डी है ये 40 पे है, तो 0.8 अगर आप लोग देखोगे तो 0.8 आएगा। कैसे, डीएस इज 40 डिवाइड बाय स्टॉक इज 50, सो ये आ जाता है मेरा 0.8। तो इससे मेरे को यू कैलकुलेट करना और डी कैलकुलेट करना भी आ गया गाइस, समझ में आया आपको? तो यू कैलकुलेट करना आ गया मेरे को, कैसे किया, यूएस डिवाइड बाय एस इज इक्वल टू यू, यू डीएस डिवाइड बाय स्पॉट इज इक्वल टू डी। सो ये सब चीजें आ गई है। ईपी अपने को पता ही है अपना एक्सरसाइज प्राइस होता है, तो इधर एक्सरसाइज प्राइस लिख देने का। फिर बात में आता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा 50 से 75, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको बोलते हैं पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। मार्केट नीचे 40 पे जाएगा उसका क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिमाइंडर प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। सो ये अपना पी एन 1 माइनस पी भी हो गया, ठीक है। बाकी ये जो चीज यहां पे आपको दिख रही है दिस इज द रियल वैल्यूएशन। तो वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल क्या होगा एंड वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल क्या होगा, वो अभी मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगा। एन आर इज रिस्क फ्री, टी इज टाइम पीरियड, वो तो जनरली जो यूज होता है वो है। अब सबसे पहला काम आपको करना है इज मेकिंग दिस बाइनोमियल मॉडल, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या डालना है। आपको पहले बीच में डालना है स्पॉट प्राइस, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी यूएस, नीचे जाने का मतलब ऊपर कितना मैक्सिमम जा सकता है यूएस 75, नीचे कितना मैक्सिमम जा सकता है डीएस 40। अच्छा 50 से 75 जा गया तो यू कितना हो जाएगा, यूएस अपॉन एस विच इज 1.5। नीचे गया तो उस कितना परसेंटेज से नीचे गया है, तो यहां पे डीएस अपॉन एस हो जाएगा डी। अभी क्लियर एवरीबॉडी? ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी पी, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी ईपी इज योर एक्सरसाइज प्राइस। अब ये जैसे ही आप लोग बाइनोमियल मॉडल बना दोगे आपको यूज करना है और आपको कैलकुलेट करना है रादर पी। देखो क्वेश्चन में यूएस डीएस दिया होगा, अगर यूएस डीएस दिया है और स्टॉक प्राइस दिया है, ये तीन चीज भी दी है ना, आप यू और डी कैलकुलेट कर पाओगे। तो अब अगर नोट करो तो यूएस है मेरे पास, डीएस है मेरे पास, यू है, डी है, एस है, एक्सरसाइज प्राइस है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग खाली दो चीजें आपको दिखेगी, वो है पी एन 1 माइनस पी। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना अगर मेरे को आ गया तो 1 माइनस पी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो पी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है जो अब मैं यूज करने वाला हूं, विच इज आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। डी क्या है मुझे पता है, यस डी एस अपॉन एस। यू क्या है मुझे पता है, यस यूएस अपॉन यू, बराबर यूएस अपॉन एस, बराबर है। तो ये दोनों चीजें मुझे पता है। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इधर मेरे को रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, जो आएगा इसका आंसर वो मेरा आ जाएगा पी, उसमें 1 माइनस पी करूंगा तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन प्राइस भी आ जाएगा। एंड नाउ फाइनली आई एम ऑल सेट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल एंड वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल। सो यहां पे देखो अब से 75 पे अगर जाता है, ठीक है, एंड मेरा से एक्सरसाइज प्राइस भी 50 है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सरसाइज प्राइस भी 50 है। अब आप मेरे को बताओ अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस 50 है और मेरा अब मार्केट प्राइस 50 से 75 पे गया है, तो विल आई एक्सरसाइज, द आंसर इज यस। तो जब मैं उसको एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे फायदा हो जाएगा 75 माइनस 50, कितने का फायदा हो जाएगा 25। दिस इज व्हाट इज योर सी यू, यू एस माइनस ईपी। ये देखो इधर दिखा आपको, तो इधर अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूएस माइनस ईपी। यूएस मतलब कितना ऊपर गया, माइनस माय एक्सरसाइज प्राइस, जितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। एंड डी सी डी क्या हो जाएगा मेरा, अब सी डी क्या है 40, अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस 50 है और मेरा डीएस 40 है, तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा, द आंसर इज नॉट टू बी एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे को तो चाहिए मार्केट ऊपर जाए, ये तो मार्केट नीचे गया, तो ऑब्वियसली बात है आई विल नॉट एक्सरसाइज एट डाउन लेवल, उसको बोलते हैं सीडी। तो इफ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज मेरा सीडी हो जाएगा जीरो, मेरा सीडी हो जाएगा जीरो। आई होप वी आर क्लियर। और अब फाइनली अपन लोग आ रहे हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो सी यू पी
तो सीयू अभी अपन लोग ने इधर कैलकुलेट किया, तो कहना इसे मेरा सीयू 25 आया, तो इधर मैं लिख दूंगा 25 मल्टीप्लाई बाय से पी, मेरा प्रोबेबिलिटी आया ये कैलकुलेशन से, कौन सा कैलकुलेशन से, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, ये कैलकुलेशन से मेरा प्रोबेबिलिटी आया 0.75 प्लस सी डी, अब नीचे गया अगर ये मार्केट तो ऑब्वियसली आई विल नॉट एक्सरसाइज, तो मेरा सीडी हो जाएगा 0 अपॉन आर। आर क्यों करते हैं, टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये 75 तो से एक साल के बाद का वैल्यू है, तो एक साल के बाद का वैल्यू 75 होगा, तो 25 रुपए का फायदा एक साल के बाद होगा, बराबर है, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए डिवाइड बाय आर करते हैं, से लेट्स अज्यूम आर टू बी 10%, तो ये 1/1 1.1 करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉल। ए समझ में आया एवरीबॉडी। अब अगर मेरे को यहां पे ये सेम चीज को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा स्टॉक प्राइस, स्पॉट प्राइस जो आपको गिर दिया होगा क्वेश्चन में, फिर बाद में मैं इधर कैलकुलेट करूंगा यूएस चांसेस के कितना ऊपर जा सकता है, फिर मैं इधर कैलकुलेट करूंगा डीएस चांसेस है कि कितना नीचे जा सकता है, फिर बाद में मेरे को इधर आ जाएगा यू, यू कैसे आएगा, यूएस अपॉन एस, यूएस अपॉन एस, और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डी, डी कैसे आ जाएगा, डीएस अपॉन एस। आर वी क्लियर एवरीबॉडी। चलो अब मेरा मिसिंग क्या है, पी और 1 माइनस पी। अच्छा पी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है यू माइनस डी अपॉन आर माइनस डी, मैंने उल्टा लिख लिया, उल्टा लिख लिया, सो आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, सो आई विल यूज द फॉर्मूला आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। डी तो अभी इधर मैंने कैलकुलेट किया है, यू मैंने कैलकुलेट किया इधर, आर इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब कैलकुलेट करने के बाद मेरे को कैलकुलेट करना होता है सी यू, वॉट इज सी यू भाई, जो भी मेरा इधर एक्सरसाइज प्राइस है, मैं एक्सरसाइज कब करूंगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, सो आई वॉन्ट द मार्केट टू गो अप, तो यूएस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इज माई सी यू, एंड अगर मेरा नीचे गया तो ऑब्वियसली आई विल नॉट एक्सरसाइज, तो अगर मैं ये नॉट टू बी एक्सरसाइज करता हूं तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 0। आर वी क्लियर एवरीबॉडी। और फिर बाद में फाइनली अपने को फॉर्मूला यूज करना है वैल्यू ऑफ कॉल का, सो वैल्यू ऑफ कॉल का फिर फॉर्मूला है सी यू, जो यूएस माइनस ईपी 75 माइनस 50 जो 25 आया, मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी जो अभी अपन लोग ने ये फॉर्मूला से यूज किया, प्लस सी डी, अब आइडियली सी डी ही 0 हो जाता है, तो ये 1 माइनस पी भी ऑब्वियसली इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय आर टू ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। बस हो गया कैलकुलेशन, अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, क्या ये दिमाग में एकदम सेट हो गया, प्लीज कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये मेरा स्टेप मेथड, एंड क्या आप लोग को एक एक स्टेप क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया है वो खाली 4 लाइन लिख के बता दो, बाइनोमियल मॉडल सबसे पहले बना दोगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी कर दोगे, फिर बाद में आप लोग सी यू कैलकुलेट कर दोगे, एंड फाइनली वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करके दिखा दोगे, एंड यहां पे देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, अब आप ये एग्जांपल गो थ्रू करोगे तो आपको सेम चीजें मिल जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है, मैंने इधर मेरे बाइनोमियल मॉडल में डाल दिया, ड्यूरेशन दिया हुआ है, यूएस है मेरे पास, डीएस है, आरओआई है, एंड आई विल नाउ यूज ऑल ऑफ दीज थिंग, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उससे आप ये कैलकुलेट करते जाओगे, आपको 61.36 का वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर, ए समझी गुडू। सो ये अब अपने को पूरा दिमाग में मस्त सेट हो चुका है, बस इसी को आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं और बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज अ टू पीरियड बाइनोमियल। टू पीरियड बाइनोमियल में भी सेम चीजें करनी है, सेम यूएस सेम डीएस, बस एक पीरियड के जगह पे उसमें दूसरा पीरियड भी एड हो जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 50, एक साल बाद होने वाला है 60, 2 साल बाद होने वाला है 72, तो ऑब्वियसली यू विल वॉन्ट, आप देखोगे कि मैं एक साल में बाद बेचूंगा तो मुझे कितना फायदा हो रहा है, और 2 साल बाद बेचूंगा तो कितना फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2 साल बाद वाले में ज्यादा फायदा होगा। उसके लिए आपको सेम मेथड यूज करना है, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, कोई भी ईयर होने दो, आर सेम ही रहेगा, डी सेम ही रहेगा, यू सेम ही रहेगा, इधर देखो ये जो यू है यही सेम यू यहां पे भी आएगा, ये जो डी है ये ही सेम डी यहां पे भी आएगा, तो उससे अपने को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, बराबर है। फिर बाद में सेम वही वैल्यू ऑफ सी यू आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अप एट अपर प्राइस कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एट डाउन प्राइस कैलकुलेट करना है, डाउन प्राइस वाला यूजुअली 0 रहेगा, अपर प्राइस वाला हाई रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे अपर प्राइस का सी यू 2 लेवल पे कैलकुलेट करना है, जिसका भी हायर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अब अपने एग्जांपल में हायर सेकेंड ईयर का है, बस वो सिलेक्ट करके आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जैसे यहां पे आप लोग ने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया था वही सेम फॉर्मूला यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब
टू पीरियड बाइनोमियल आने का चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी दिस इज हाउ द सिस्टम इज टू बी फॉलोड एंड एब्सोल्युटली सेम चीज ही करना है, सब चीजें सेम करनी है, खाली सी यू दोनों लेवल पे कैलकुलेट करके आपको सी यू ये लेवल पे भी कैलकुलेट करने का, जैसे सी यू यहां पे किया है वैसे ही सी यू यहां पे भी कैलकुलेट करने का, जिसका सी यू हायर होगा उसको चूज करने का। अपने इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल में सेकेंड ईयर का सी यू हाई होता है, तो इसको इग्नोर करो, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। सी पीरियड टू वैल्यूज इज हायर, पीरियड टू वैल्यूज इज हायर देन पीरियड वन, सो वी विल सिलेक्ट हायर वाला विच इज पीरियड टू, और फिर हमने यही एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करोगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। आई होप अपने को समझ में आ गया होगा। सो ये था मेरा बाइनोमियल मेथड। इसी में एक और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, इंस्टीट्यूट ये अप्रोच लेता है फॉर अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो इंस्टीट्यूट का एक एग्जांपल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आईसीएम मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 24 का मैंने रेफरेंस दिया है। यहां पे मेरे को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये रिस्क न्यूट्रल मेथड यूज किया है। तो उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है दैट स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर इज एक्सपेक्टेड लेवल शेयर प्राइस एट अपर लेवल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड डाउन लेवल शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी अपॉन आर। अब क्वेश्चन में आपको स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ होगा, एक्सपेक्टेड अपर लेवल प्राइस शेयर इसको यूएस बोलते हैं दिया हुआ होगा, एक्सपेक्टेड डाउन लेवल शेयर प्राइस डीएस दिया होगा, आर आपको दिया होगा, खाली एक बैलेंसिंग फिगर बच रहा है और ये बैलेंसिंग फिगर है मेरा पी का। डेफिनेटली आपको ये एक इक्वेशन में जब खाली एक ही वेरिएबल मिसिंग हो तो वो एज अ बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। देखो इसको अब अपन लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा यहां पे। सो दिस मेथड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो कभी कभी आपको स्टॉक प्राइस दिया है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अपर प्राइस यूएस दिया है, आर है, डीएस है, तो आप ये अल्टरनेट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। आओ देखते हैं। सो ये आईसीआई का क्वेश्चन है, मैं यही आप लोगों को फटाफट रेफरेंस के थ्रू करवा देता हूं। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज रुपीज 420, तो कहना इससे ये स्पॉट प्राइस ऑफ अ शेयर हो गया। बस अब इधर ये फॉर्मूला में घुस डालते जाना है, 420 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अ शेयर प्राइस, मतलब कहना इससे ये मेरा यूएस हो गया, तो मेरा यूएस कितना है बेटा 500 है मेरा यूएस एक्सपेक्टेड इन टू पी, मुझे नहीं पता है कितना है, प्लस एक्सपेक्टेड डाउन शेयर लेवल वो मेरा है 400 इन टू 1 माइनस P अपॉन R, R अगर आप लोग देखोगे तो देखो गिवन इज E रेस टू 0.02 कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के थ्रू, वो लोग ने दिया है यहाँ पे 0.0202, तो ये इधर 1.02, 1.0202। अब इसको सॉल्व करो, तो व्हेन यू सॉल्व 420 इनटू 1.0202 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 428.484 इज इक्वल टू 500 P प्लस 400 माइनus 400 P। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अब लास्ट स्टेप, ये इधर जाएगा तो इट विल बिकम 28.484 बराबर के नहीं, इज इक्वल टू 500 माइनस 400 ये हो गया मेरा 100 P, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 28.484 डिवाइड बाय 100। अब अगर कोई भी नंबर यार 100 से डिवाइड हो रहा है तो सीधी सी बात है अपना आंसर वही डिवाइड, तो 28.484 डिवाइड बाय 100 विल गिव मी प्रोबेबिलिटी 0.2848। समझ में आया? और फिर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन तो अपने को कैलकुलेट करना आता ही है, तो ये देखो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर तो थोड़ा सा जगह बना देते अपन। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी यू, सी यू मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर गोइंग अप, उस पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 रुपीज तक जाएगा माइनस मेरा एक्सरसाइज प्राइस है यहां पे से 450, यहां पे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 450 का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, सी स्ट्राइक प्राइस ऑफ 450, तो सी यू क्या हो जाएगा 500 माइनस 450 50 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, मैंने इधर देखो कैलकुलेट किया है 0.2848 बराबर है, प्लस सीडी, अब सीडी 400 है और मेरा स्ट्राइक प्राइस है 450, तो आई विल नॉट एक्सरसाइज इट, तो वो जीरो हो जाएगा, तो 0.2848 इनटू 50 500 माइनस 450 अपॉन 1.0202 वो मेरा आर है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर 13.96। ए समझ गए एवरीबॉडी? सो इस हिसाब से भी आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मैंने यहां पे आपको लिखा था बाइनोमियल यूजिंग द बाइनोमियल
एंड इंक्लूड्स माय रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। एंड अपन लोग आ रहे हैं थर्ड अप्रोच के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज द ब्लैक एंड शोल्स। ये एग्जाम में आने का चांसेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फिर भी अपने को फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूं। सी, कोई भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एक कि भाई अपना क्या स्पॉट प्राइस चल रहा है, एंड दूसरा अपना क्या एक्सरसाइज प्राइस है। तो मेरा स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, आई वॉन्ट द मार्केट प्राइस टू गो अप, तो से फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस है 100 का, मेरे को तो चाहिए मेरा स्पॉट प्राइस हो 150 पे, तो 50 रुपीज का मेरे को सीधा सीधा गेन मिल जाएगा। सो आई ऑलवेज वॉन्ट द स्पॉट प्राइस टू बी हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। तो मेरा इधर फॉर्मूला बनता है एसओ माइनस ईपी, एसओ मतलब स्पॉट प्राइस माइनस ईपी मतलब एक्सरसाइज प्राइस, ये हो जाता है मेरा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, बराबर है। बट इसमें अब मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटीज एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिला देता हूं। सो यहां पे इनटू ND1 इनटू ND2 कर दो। सो देखो मेरा अभी फॉर्मूला कैसे, मैं आप लोगों को फटाफट डिराइव करके बता रहा हूं। सो मेरा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बेटा क्या है, मेरे को चाहिए मेरा स्पॉट प्राइस शुड बी हायर देन माय एक्सरसाइज प्राइस। अब इसमें थोड़ा और मैं स्टैटिस्टिकल चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, तो ND1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू ND2। अब मैं इसको एक्सरसाइज करने वाला हूं कुछ टाइम के बाद, सो डिवाइड बाय, मैं इसको प्रेसेंट वैल्यू पे लाने के लिए कर देता हूं E^RT। एंड ट्रस्ट मी, यही आपका फॉर्मूला है ब्लैक एंड शोल्स का, बट वो आया कहां से, स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। बट अपन लोग सीधा ये बड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं और अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल है। स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस मेन फंडा क्या है, आई ऑलवेज वांट द मार्केट टू गो हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस इन कॉल ऑप्शन। सो ये स्पॉट मेरे को ज्यादा चाहिए, तो स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस इज माय प्रॉफिट, उतना मेरा वैल्यूएशन ऑफ कॉल ऑप्शन आ गया। इसमें मैं स्टैटिस्टिकल चीजें ऐड कर रहा हूं, क्या स्टैटिस्टिकल चीज मैंने ऐड की, इसमें मैंने ND1 ऐड किया, ND1 ND2 ऐड किया। सो ND1 ऑब्वियसली फॉर द स्पॉट बिकॉज वो फर्स्ट है, फिर बाद में ND2, ठीक है। एंड एक्सरसाइज प्राइस मैं जब एक्सरसाइज करूंगा तो उसके प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है, तो डिवाइड बाय E^RT। ये आपका बन गया मेन फॉर्मूला फॉर ब्लैक एंड शोल्स। फिर बाद में ऑब्वियसली आपको D1 एंड D2 को डीकोड करना है, तो D1 के लिए है नेचुरल लॉग इनटू स्पॉट अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस रिस्क फ्री अपॉन वेरिएंस अपॉन 2 इनटू टी। अब ये आपको खाली सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एंड जैसा क्वेश्चन आएगा आपको खाली अप्लाई करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये जो इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको एन है ना, वो एग्जाम में ऑलरेडी दिया होगा, क्योंकि एक तो ब्लैक एंड शोल्स आने का चांसेस बहुत कम है, बट अगर आया देन इन दैट केस दे विल गिव यू दैट ND1 पार्ट ND2 पार्ट। आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है ये पूरे फॉर्मूला में, एंड आपका काम हो गया। तो फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट मेरा आ गया यहाँ पे, फिर बाद में ये फॉर्मूला का जो सेकंड पार्ट है विच इज कैलकुलेशन ऑफ D1, ठीक है ना, एन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको गिवन होगा। अब अपने को खाली इधर D1 का कैलकुलेट करना है, D2 भी मेरा बैलेंसिंग फिगर ही आ जाता है थ्रू D1 माइनस सिग्मा रूट टी। अब मेरा यहां पे आता है D1, तो ये है मेरा नेचुरल लॉग इनटू स्पॉट प्राइस अपॉन मेरा एक्सरसाइज प्राइस, एंड इसमें मेरे को ऐड करना है, ऑब्वियसली इसका बड़ा सा डेरिवेशन है, तो जो अभी इतना इजी लग रहा है उतना है नहीं, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कभी बाय चांस एग्जाम में आया, इसका चांसेस एज आई टोल्ड यू इज नहीं, बट अगर आया तो भी वी आर प्रिपेयर्ड कि अपने को एटलीस्ट इतना आता है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये अपन लोग फिर सॉल्व करके आ जाएंगे, एंड देन फिर बाद में इसमें जो पार्ट है वो है इफ देयर इज डिविडेंड इनकम, तो यही फॉर्मूला में आपको डिविडेंड इनकम भी इंट्रोड्यूस करना है। सो यू जस्ट हैव टू डू रिड्यूस द डिविडेंड इनकम फ्रॉम द स्पॉट प्राइस। फिर एक कॉन्सेप्ट है पुट कॉल पैरिटी, अगेन इसमें भी एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल टू, सी आइडियली ये फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ पुट प्लस स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन E^RT। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन वैल्यू ऑफ पुट दे देगा, आपको स्पॉट प्राइस दे देगा, आपको एक्सरसाइज प्राइस और E^RT दे देगा, और बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। आपको खाली ये फॉर्मूला में से पिकअप करना है और नंबर्स डालना है। सो पुट कॉल पैरिटी क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस अपॉन E^RT प्लस कॉल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विच विल बी गिवन इन योर एग्जाम। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं विच इज ऑप्शन ग्रीक्स, जो मुझे लगता है कि ये बार एग्जाम में एज अ थियोरी क्वेश्चन आ सकता है।
सो गाइस प्रैक्टिकली है ना, ये ऑप्शन ग्रीक्स इज यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स. मेरा फ्रेंड एक्चुअली ये ऑप्शन ग्रीक्स को यूज करके ट्रेडिंग करता है एंड ही हैज अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो इसमें है ना पांच चीजें हैं. सबसे पहला है डेल्टा या हेज रेशियो, कि भाई आपका कितना शेयर्स के सामने कितने ऑप्शंस मैं खरीद सकता हूं. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा शेयर प्राइस बढ़ रहा है 10 रुपीज से एंड उसके सामने मेरा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है 5 रुपीज से, सो कैन आई से ये लोग दोनों में 2:1 का हेज है. देखो यहां पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको उससे समझेगा. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ रहा है 20 रुपीज से, 10 रुपीज से, और आपका प्रीमियम बढ़ रहा है 5 रुपीज से. वापस मार्केट प्राइस बढ़ा 10 रुपीज से, आपका प्रीमियम बढ़ा 5 रुपीज से. सो कैन आई से इन दोनों के बीच में 10:5 का रेशियो है. सो दिस टेल्स अस दैट शेयर फॉर टू वन शेयर फॉर टू कॉल ऑप्शन कैन बी टेकन. सो ये इसको बोलते हैं डेल्टा हेजिंग. तो अगर आपको शेयर के जगह पे कॉल ऑप्शन लेना है तो क्या डेल्टा हेज आपका सेट हो रहा है कि भाई एक शेयर के जगह आप दो कॉल ऑप्शन ले लोगे, इट विल गिव यू द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इनफ्लो. ठीक है. सो measures how much an option price can be expected to move for every 1 rupee change in underlying security or index. मेरे 10 रुपए शेयर के चेंज के लिए 5 रुपए का प्रीमियम चेंज हो रहा है. सो अंडरलाइंग 10 से चेंज हो रहा है तो मेरा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपीज से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं डेल्टा हेजिंग. चेंज इन वैल्यू और प्रीमियम ऑफ ऑप्शन अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस फॉर्मूला टर्म्स में CU माइनस CD अपॉन US माइनस DS. सो दिस इज कॉल्ड एज योर डेल्टा रेशियो या हेज रेशियो. फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग वेगा के ऊपर. वेगा बताता है कि मार्केट में जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है उसका रिस्क चेंज होने की वजह से कॉल ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेस आता है. सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन, सेंसिटिविटी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इन चेंज वैल्यू इन वोलेटिलिटी, सॉरी वोलेटिलिटी टेल्स अस कि भाई कितना चेंज हो रहा है मेरा ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो ये देखो यहाँ पे चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1% चेंज इन वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन. तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन कितने से मूव होता है और उसके कंपैरिजन में मेरे ऑप्शन का वैल्यू कितना मूव हो रहा है. फिर बाद में उधर देखो दिखा है थीटा. थीटा टेल्स अस द चेंज इन ऑप्शन वैल्यू एज कंपेयर टू द चेंज इन टाइम. टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम. सो डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम. यहां पे देखो मेरा एग्जांपल, इफ वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज 75 एंड ऑप्शन हैज अ थीटा ऑफ 2 देन आफ्टर डे 1 अगर थीटा 2 का है तो एक दिन के बाद अगर कुछ मूवमेंट नहीं भी हुआ तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन का वैल्यू 75 माइनस 2 73 हो जाएगा. फिर बाद में और एक दिन गया तो और उसका वैल्यू कम हो जाएगा 73 से 71. सो उसको बोलते हैं थीटा. चेंज इन टाइम रिजल्ट्स इन चेंज इन डिक्रीज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम. तो कितने से वो चेंज हो रहा है तो ऑप्शन प्रीमियम 2 रुपए से चेंज हो रहा है हर दिन, मतलब एक दिन का 2 रुपए का ऑप्शन वैल्यू का प्रीमियम का चेंज है, दैट इज कॉल्ड एज थीटा. अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन जो रिस्क है वो कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी का चेंज हो रहा है से 5% और उसके वजह से मेरे प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेगा. जो मेरा सिक्योरिटी का प्राइस है, शेयर का प्राइस है, उसकी वजह से मेरे उसका और मेरे प्रीमियम का क्या चेंज है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा. फिर सेम वे आरएचओ, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट का चेंज. तो इंटरेस्ट रेट की चेंज की वजह से ऑप्शन वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आरएचओ. यूज टू मेजर सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स इंडिकेट्स हाउ मच ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज डिस्क्री इंटरेस्ट रेट. सो इफ एन ऑप्शन पोर्टफोलियो हैज आरएचओ ऑफ 3 तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन वैल्यू विल इंक्रीज बाय 3% एंड वाइस वर्सा. एंड लास्ट है गैमा. गैमा को बोलते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा. सो चेंज इन डेल्टा की वजह से प्राइस ऑफ स्टॉक में क्या चेंज आ रहा है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज गामा. सो यहां पे चेंज इन स्टॉक प्राइस एंड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम उसका जो उसका चेंज है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा. गामा डेल्टा का डेल्टा है, मतलब डेल्टा का चेंज एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द शेयर इज रिप्रेजेंटेड एज गामा. सो वापस एक मिनट में अगर मेरे को समराइज करना है तो क्या क्या है मेरे पास ऑप्शंस. तो सबसे पहला है डेल्टा. डेल्टा बोलता है भाई मेरा चेंज इन प्राइस की वजह से, चेंज इन शेयर प्राइस की वजह से, चेंज इन शेयर प्राइस की वजह से
ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा, फिर बाद में है वेगा, मेरे वोलेटिलिटी के वजह से, मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन के चेंज की वजह से मेरे ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेगा, फिर बाद में है थीटा, थीटा क्या बोलता है, एस टी टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा, टाइम वैल्यू की वजह से मेरे ऑप्शन प्रीमियम में जो चेंज है दैट इज कॉल्ड एज थीटा, फिर बाद में मेरा रो, आर एच ओ, रो क्या बोलता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जो ऑप्शन में चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज रो, एंड लास्ट इज गामा, प्राइस ऑफ शेयर चेंज होने की वजह से मेरे डेल्टा में क्या चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज गामा, गामा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा ऑफ डेल्टा। तो ये भी आप एग्जाम में लिख कर आओगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। सो आई होप आप लोग को ऑप्शन ग्रीक स्टैटिस्टिकल चीजें समझ में आ गई होगी। सो टाइम का चेंज के इंपैक्ट ऑन ऑप्शन वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन का चेंज ऑन ऑप्शन वैल्यू, प्राइस का चेंज ऑन ऑप्शन वैल्यू, इंटरेस्ट का चेंज ऑन ऑप्शन वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑप्शन ग्रीक्स। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली जैसा आपको प्रॉमिस किया था, 1 घंटे में पूरा का पूरा आपका ऑप्शंस विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूएशन वेज, बेसिक, सब का सब डन एंड डस्टेड। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा, एंड डेफिनेटली एक लाइक एंड शेयर तो बनता है। एंड इस नोट पे अब अपन स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स का फ्यूचर्स, लेट द गेम ऑफ फ्यूचर्स बिगिन। सो डेल्टा डन एंड टेस्टेड, आई मीन ऑप्शंस, ऑप्शंस डन एंड टेस्टेड इन 1 आवर एज प्रॉमिस्ड। सो फ्यूचर्स इज आवर नेक्स्ट डेरिवेटिव्स, एंड इसमें कोई राइट नहीं है आपके पास, बट एक प्रॉपर ऑब्लिगेशन है। मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर्स में जो भी ट्रेडिंग करता है ना, वो या तो इस पार जाता है या उस पार जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी उस पार नहीं जा पाता है, तो आप समझ रहे हो तुम लोग। सो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, तो आपने जो भी पोजीशन लिया है आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, बट ऐसा है ना कि अगर आपने जो सोचा वैसा हुआ तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और आप बन जाएंगे मुकेश अंबानी, बट अगर आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, देन इन दैट केस आप बन जाएंगे अनिल अंबानी। जी हाँ, दिस इज व्हाट फ्यूचर्स ट्रेडिंग डस टू यू। तो सर ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, तो ऑब्वियसली अगेन फ्यूचर्स का आपको प्रिडिक्शन करना है, एंड उस बेसिस पे मार्केट मूवमेंट्स को आपको यू कैन से एक्सपेक्ट करना है कि क्या होने वाला है। नाउ दो तरह के फ्यूचर्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग फ्यूचर्स, एक होता है शॉर्ट फ्यूचर्स। सेम लॉजिक ऑप्शन जैसे ही, बस वही है कि ऑप्शंस में आपको एक राइट मिलता है और अगर आपको उसको एक्सरसाइज नहीं करना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, फ्यूचर्स में अगर आपने लॉन्ग किया है इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने लॉन्ग किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया तो मुकेश अंबानी तो पैसा बहुत मिलेगा, बट अगर मार्केट नीचे गया तो ऑप्शन जैसा आपके पास राइट नहीं है कि ठीक है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अगर मार्केट नीचे गया आपने ऊपर एक्सपेक्ट किया था तो आपको बहुत सारा लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है, एंड वाइस वर्सा अगर आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट मतलब आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट फ्यूचर्स करोगे, और अगर मार्केट ऊपर गया देन इन दैट केस यू विल हैव टू बेयर ऑल द लॉसेस एज वेल, और अगर आपने जैसा सोचा वैसा हुआ है तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे इसका ट्रीटमेंट, कैसे इसका ट्रेडिंग होता है ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, बट जस्ट टू टेल यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स काफी बोलते हैं ना, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, सो सेम भी है बट साथ में भी है, तो कुछ चीजें इनमें कॉमन है कुछ चीजें इनमें अलग है। तो यहां पे डिफरेंस क्या है वो इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन आता है बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। तो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स दोनों फ्यूचरिस्टिक ट्रेडिंग के लिए ही यूज किया जाता है, बट इधर फॉरवर्ड्स में ओवर द काउंटर मतलब आप बैंक के पास जाके ट्रेडिंग करवाते हो, बट फ्यूचर्स में आपका स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग होता है डायरेक्टली। यहां पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कस्टमाइज कर सकते हो, वहां पे बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व है तो देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे फॉरवर्ड में कोई मार्जिन वार्जिन का जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर्स विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग होता ही नहीं है। डिफॉल्ट फॉरवर्ड में होने का बहुत ज्यादा चांसेस है,
फ्यूचर्स में नहीं होता है बिकॉज आप पहले से मार्जिन मनी ले रहते हो, तो इसके लिए डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं है बिकॉज मार्केट के पास ऑलरेडी आपके पास आपका एक प्रोविजन के टर्म्स में सिक्योरिटी रहता ही है. देन देयर इज सेटलमेंट, यहाँ पे मेच्योरिटी पे होता है, यहाँ पे एवरी डे बेसिस पे आपके मार्जिन बैलेंस में जो भी आपके फ्यूचर्स का चेंजेस हुआ है वो सब रिफ्लेक्ट होगा. फॉरवर्ड्स आर लेस लिक्विड, यहाँ पे हाईली लिक्विडिटी है बिकॉज जब आपको चाहिए आप एग्जिट कर सकते हो बाय ट्रेडिंग इट ऑन द स्टॉक मार्केट. रेगुलेशन यहाँ पे लेस है बिकॉज ओवर द काउंटर काम हो रहा है, फ्यूचर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, तो इट इज हाईली रेगुलेटेड. फॉरवर्ड्स बिजनेस हेजिंग के लिए यूज करते हैं एंड फ्यूचर्स स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करते हैं, जैसा मैंने बोला इस पार या उस पार. तो प्रोसेस क्या है ध्यान से आप समझने की कोशिश करना. मैंने अगर एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं लॉन्ग फ्यूचर्स कर दूंगा. इसका मतलब मैंने ये रेट पे फ्यूचर्स बाय करके फ्रीज कर दिया है. अब अगर फ्यूचर में मार्केट ऊपर गया तो फ्यूचर्स का एक पिक्युलैरिटी होता है कि आपको आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, मतलब रिवर्स करना पड़ता है. तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, लॉन्ग का मतलब बाय, तो मैंने यहाँ पे बाय फ्यूचर्स किया था, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है सेल फ्यूचर्स. तो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप, मेरा ये प्राइस फिक्स्ड है. अब मार्केट ऊपर चले गया तो मैं ये ऊपर वाले रेंज पे सेल कर दूंगा, ये मेरा प्रॉफिट हो गया. एंड शॉर्ट फ्यूचर्स में, तो मैंने शॉर्ट फ्यूचर्स में ये फ्रीज कर दिया, शॉर्ट का मतलब सेल, तो मैंने सेल फ्यूचर्स फ्रीज कर दिया, मेरे को इसका रिवर्स पोजीशन लेना पड़ेगा इसको क्लोज, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए. तो रिवर्स पोजीशन मैं बाय करके करूंगा, तो अब मुझे बाय करना है, तो मैं चाहता हूं मैंने जितने पे सेल पे किया था अब मार्केट नीचे जाए और मैं नीचे पे उसको काट दू, उसको बाय कर लू, एंड दैट विल बिकम माई गेन. आई होप आपको फ्यूचर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों का ट्रेडिंग का आइडिया आ गया होगा. सो इफ जो भी आप, से फॉर एग्जाम्पल आपको गोल्ड का फ्यूचर्स बाय करना है और अभी प्राइस चल रहा है 60,200, तो आपने गोल्ड के फ्यूचर्स को, तो आपको है ना इधर दिखेगा मार्केट में गोल्ड फ्यूचर्स 60,200. अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये 60,200 पे आप लॉन्ग पोजीशन ले लो अभी या शॉर्ट पोजीशन ले लो. अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड का वैल्यू ऊपर जाने वाला है तो आज लॉन्ग पोजीशन ले लो, तो आपने लॉन्ग पोजीशन ले लिया 60,200 फ्यूचर्स मार्केट पे, आपका ये प्राइस फ्रीज हो गया. अब अगर फ्यूचर में मार्केट ऊपर गया 60,600 हो गया, तो ये 400 आपका शॉर्ट करके आप उसको स्क्वायर ऑफ करके गेन कर लोगे. आपने अगर शॉर्ट किया होता 60,200 पे और मार्केट से फॉर एग्जाम्पल नीचे गया, आपके पास सेल का तो फ्रीज है, अब आपको बाय करके उसको स्क्वायर ऑफ करना है, दिस विल बिकम योर गेन. ए समझी गुड एवरीबॉडी. तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स, और मैंने आपको एकदम अच्छी तरह से प्रॉपरली समझा दिया है, आई होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा. नाउ फ्यूचर्स बायर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय इज फ्रीज्ड एट प्रिवेलिंग फ्यूचर्स रेट. जो भी फ्यूचर्स का रेट चल रहा है ना, शॉर्ट के लिए लॉन्ग के लिए सब सेम ही है, आपको वो रेट पे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, दैट इज व्हाट योर डिसीजन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर प्रिडिक्शन. अगर आप फ्यूचर्स लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप अपसाइड बाय करेंगे, तो लॉन्ग फ्यूचर्स इज ऑलवेज स्क्वेयर्ड बाय सेलिंग ऑन मेच्योरिटी और बिफोर. सो इफ मार्केट गोज अप देन इन दैट केस फ्यूचर्स का जो बाइंग प्राइस है, फ्यूचर्स का जो बाइंग प्राइस है वो आपने फ्रीज किया हुआ है, मार्केट गोज अप, देन इन दैट केस एक्स पे आपने फ्यूचर्स बाइंग प्राइस फ्रीज किया था, मार्केट ऊपर गया तो एक्स प्लस वाई हो गया, आपको मिलेगा गेन ऑफ y रुपीस. जो आपका गेन है सामने वाले का लॉस होगा ऑब्वियसली. अगर मार्केट नीचे गया उसका भी चांसेस है, इफ मार्केट गोज डाउन देन इन दैट केस आपका फ्यूचर्स बाइंग प्राइस आपने तो फ्रीज करके रखा है, अब मार्केट नीचे गया मतलब एक्स माइनस वाई हो गया, तो ये जो माइनस वाई है ये आपका लॉस हो जाएगा. ए समझ गए एवरीबॉडी. एंड सामने अगर आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है, देन इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इज फ्रीज्ड एट प्रिवेलिंग रेट. डाउनसाइड बेटिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज स्क्वायर ऑफ किए बिना फ्यूचर्स में नहीं वैलिड होती है, तो आपने शॉर्ट किया हुआ है अगर, तो शॉर्ट फ्यूचर्स इज ऑलवेज स्क्वेयर्ड रिवर्स बाय बाइंग ऑन मेच्योरिटी इफ मार्केट गोज अप. तो आपने तो शॉर्ट किया हुआ है एक्स पे, अब मार्केट गया ऊपर तो एक्स प्लस वाई हो गया, तो आपको उतना लॉस हो जाएगा टू द अमाउंट ऑफ वाई. एंड अगर आपने शॉर्ट किया है मार्केट नीचे गया,
यस, तो आपने सेल किया हुआ है हायर प्राइस पे, मार्केट नीचे गया, आप उस पे स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करेंगे, इतना आपका गेन हो जाएगा। आई होप वी आर क्लियर। अब क्यों इसमें आप मूव कैश या अनिल बन सकते हो, बिकॉज हियर द ट्रेडिंग इज डन इन लॉट्स। तो आप जब एक लॉट लोगे ना आरआईएल फ्यूचर्स का, तो उसके अंदर 100 शेयर्स होगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर आरआईएल ट्रेड हो रहा है 2175 पे और आपने एक लॉट लिया, मतलब आप सीधा 2,17,500 रुपए का एक वैल्यू का लॉट ले रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल। तो आप आर्टिकल क्लर्क है या आप छोटे मोटे लेवल पे है, तो ये आपके लिए खाली थियोरेटिकली अच्छा है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, समझ में आया? तो मैंने ट्राई किया था सीए बनने के बाद, एंड क्या हाल हुआ था मैं क्या ही बताऊं। कभी फुर्सत में मिलना, दुख भरी कहानी शेयर करूंगा। एनीवे, समझ में आ गया आपको ये पूरा सिस्टम क्या होता है फ्यूचर्स का, ठीक है? अब अपनी बात चल रही थी कि इसमें ना कुछ आपको मार्जिन रखना पड़ता है। ये देखो इधर क्या अब लिखा था, मार्जिन फॉरवर्ड जब आप एंटर करते हो ना, तो कोई मार्जिन वार्जिन की जरूरत नहीं। आप सीधा जाके बैंक के साथ डिसाइड कर लेते हो, भाई 3 महीने बाद मेरे को ये करेंसी का रेट चाहिए, ये फ्रीज कर दे। बट यहां पे आपको मार्जिन रखना पड़ता है। क्यों? फॉर अ सिंपल रीजन दैट अगर कल उठ के आपने लॉन्ग किया है और मार्केट नीचे गया, देन इन दैट केस आपके तो रास्ते लग जाएंगे, यानी आपको तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। आप भाग गए तो सामने वाले को लॉस हो जाएगा, मतलब जिसको फायदा हुआ है उसको वो बेनिफिट जाना चाहिए ना, आप बीच में भाग गए तो। सो इसके लिए एज अ सिक्योरिटी गवर्नमेंट क्या बोलता है, आरबीआई अपना एसएबी क्या बोलता है, दैट स्टॉक एक्सचेंज प्लीज तू मार्जिन मनी लेके रखो। अब गवर्नमेंट मार्जिन मनी ले लिया, सेबी या स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे से मार्जिन मनी ले लिया फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉन्ग किया है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब मेरे लिए तो अच्छी बात है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मार्जिन मनी में ऐड हो जाएगा, स्टॉक मार्केट उसमें ऐड कर देगा। बट अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो वो मार्जिन मनी से कट होते जाएगा टिल एक ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जीरो होने तक स्टॉक मार्केट वेट करेगा, तो एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट का फोन आएगा, भाई वापस से चल इसको रिफिल कर, अदरवाइज तेरा यही लेवल पे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। समझ रहे हो आप लोग? दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो आपका मार्जिन है ना, इसमें तीन बात अपने को सीखनी है। एक है इनिशियल मार्जिन, दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन, एंड तीसरा है मार्क टू मार्केट। और उसको समझाने के लिए मैंने आईसीआई का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप लोगों के लिए है, तो वो भी आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इनिशियल मार्जिन क्या होता है। सो इनिशियल मार्जिन का मतलब होता है कि अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग चालू करना है और आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है, तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिटेड रखना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, विच विल बी कॉल्ड एज इनिशियल मार्जिन, जिसका फॉर्मूला है न्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। जी हाँ, सो सर ये दोनों आपको दिया हुआ होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाई नहीं है, न्यू है, बट वो ठीक है, अब यू कैन टेक इट एज वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो वाई प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, इतना आपको इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। फिर आता है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन आपका ट्रिगर पॉइंट है। तो सेबी बोलता है, स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि भाई देखो आपको 16,000 जितना एक अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना है फ्यूचर्स मार्केट में, तो आपको इनिशियल मार्जिन 16,000 का जमा करवाना ही पड़ेगा। अब इसके बेसिस पे समझो आपने लिया है लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, और मार्केट ऊपर गया, तो ये 16,000 आपने जमा कर रहा है, इसमें और पैसा जमा हो जाएगा। अगर और ऊपर गया मार्केट, इसमें और पैसा जमा हो जाएगा। बट अगर डाउन गया मार्केट, तो इसमें से जो पैसा है वो कटते जाएगा। बट कितना कटते जाएगा, जीरो होने तक, द आंसर इज नो। उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। सो जो ट्रिगर पॉइंट तक इनिशियल मार्जिन से नीचे जा सकता है, दैट ट्रिगर पॉइंट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस मार्जिन। जैसे ही मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया, इन्वेस्टर को कॉल आएगा स्टॉक मार्केट का और उसको वापस से रिफिल करना पड़ेगा टिल इनिशियल मार्जिन। तो से फॉर एग्जांपल 16,000 का अपन ने इनिशियल मार्जिन अपने को रखना पड़ेगा एज पर द फॉर्मूला गिवन हियर। तो अपन लोग ने इनिशियल मार्जिन 16,000 का रख दिया। अब अपन लोग ने कोई फ्यूचर्स के का एक शेयर बाय किया, तो उसका अपने को मेंटेनेंस मार्जिन आ रहा है 12,000। तो 16,000 से मार्क टू मार्केट मतलब एवरी डे बेसिस पे जो भी ट्रेडिंग का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उस हिसाब से एडजस्टमेंट होते जाएगा। अगर ये 16,000 नीचे होते 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 12,000 तक पहुंचा, तब तक ठीक है, 12,000 से एक रुपया भी नीचे गया तो आपको रिफिल करना पड़ेगा टिल द इनिशियल मार्जिन। तो ये देखो, पार्टिसिपेंट्स इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मार्जिन इन ऑर्डर टू ओपन एंड मेंटेन अ फ्यूचर्स पोजिशन। एंड उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट आता है वो है मेंटेनेंस मार्जिन।
मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूचर ट्रेडर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन हिज मार्जिन अकाउंट टू होल्ड दैट फ्यूचर्स पोजिशन. इफ बैलेंस इन इनिशियल मार्जिन आफ्टर एडजस्टिंग MTM गोज बिलो द लिमिट एज फिक्स बाय स्टॉक एक्सचेंज, आपको इनिशियल मार्जिन तक उसको रिस्टोर करना पड़ेगा. अब ये मार्क टू मार्केट क्या होता है, डेली जो मेरा चेंजेस हो रहा है फ्यूचर्स वाला, जो मैंने स्टॉक लिया है उसमें जो डेली चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से या तो मेरे को पॉजिटिव गेन आएगा या लॉस आएगा, वो मेरे मार्जिन अमाउंट में ऑटो एडजस्ट होते जाएगा. वो MTM मार्क टू मार्केट ऑटो एडजस्ट होने के बाद अगर मेरे मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गया वो ट्रिगर पॉइंट है, मेरे को वापस रिफिल करना पड़ेगा टिल द इनिशियल मार्जिन. सो मार्क टू मार्केट फ्यूचर्स और मार्क टू मार्केट एवरी डे, सो द करंट प्राइस इज कंपेयर्ड टू एवरी डेज प्राइस. डेली सेटलमेंट इन क्लोजिंग विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिपॉजिटेड इनिशियल अमाउंट एंड ओल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स रिप्लेस्ड विद न्यू एट न्यू प्राइस एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज रोल्ड ओवर टू द नेक्स्ट डे एट न्यू प्राइस. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ द मार्क टू मार्केट सिस्टम हैपेंस. सो अब यहां पे न्यू, ये देखो ये रहा वो साइन न्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको एग्जाम में सब दिया जाएगा, टेंशन मत लेना. उससे आपको इनिशियल मार्जिन आया 16,000, आपने मेंटेनेंस मार्जिन रखा 12,000. ये देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000. सो ये जो SD इन डेली एब्सोल्यूट चेंज, ये क्या होता है, ये होता है 10,000. फिर बाद में क्या बोला है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज चेंजेस इज रुपीज 2000. सो इधर लिखा ना 3 × 2000. सो अगेन इसका डेरिवेशन चाहिए तो ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर इज नॉट द राइट प्लेस, बस जस्ट टेलिंग यू दैट ये 3 × चेंज जो वो लोग बता रहे दैट इज 6000, टोटल हो गया आपका 16,000 एंड द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन. तो आपका मेंटेनेंस मार्जिन जो इनिशियल मार्जिन था उसका 75% है विच इज 12,000. अब 16,000 से मेरी कहानी स्टार्ट हुई, मार्क टू मार्केट से 15,895 नीचे गया, 12,695 नीचे गया, फिर और नीचे गया, से 12,000 के भी नीचे चले गया, तो मेरे को 4210 कॉल करके ऐड करना पड़ा 16,000. फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर वापस नीचे चले गया 16,000 के, तो मेरे को कॉल करके वापस से 16,000 के लेवल पे लाना पड़ा. आई होप मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ओके, अब और यहां पर लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज थियोरेटिकल वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स. इसका मतलब क्या सही प्राइस होना चाहिए, जैसे ऑप्शन के लिए अपन लोग ने निकाला था ना राइट वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, बस वैसे ही है राइट वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स. सो ये क्या बोलता है कि से आज की तारीख में अगर स्पॉट प्राइस है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आज की तारीख में अगर ये फ्यूचर जो से रिलायंस का मेरे को फ्यूचर्स खरीदना है तो रिलायंस का मैं पहले आज की तारीख में स्पॉट प्राइस देखूंगा, जो अंडरलाइंग एसेट है रिलायंस, तो से उसका प्राइस है ₹1,200. ठीक है, अब मेरे को फ्यूचर्स में डील करना है, मेरे को फ्यूचर्स में डील करना है से 3 months के बाद का. अब मैंने आपको बताया था आपको लॉन्ग करना है आप लॉन्ग करो, शॉर्ट करना है शॉर्ट करो, फ्यूचर्स का प्राइस एक ही रहेगा. ठीक है, अब यहां पे जब मेरे को फ्यूचर्स को बाय करना है या शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है जो भी है, तो यहां पे जो फ्यूचर्स का प्राइस है ना दैट बेसिकली इज नथिंग बट जो भी मेरा इधर स्पॉट प्राइस है प्लस उतना से 3 महीने का मेरा यहां पे, तो 3 महीने का जो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऐड करके यहां पे ये बन जाएगा मेरा फ्यूचर्स का प्राइस. बट आइडियली ये होना चाहिए, बट क्या ये होता है क्या, द आंसर इज नो. अगर ये थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस जो मेरा 1250 होना चाहिए एंड एक्चुअल में जो फ्यूचर्स प्राइस दिख रहा है वो सेम नहीं है, देन इट गिव्स राइज टू आर्बिट्राज, जो अपन लोग आगे जाके देखेंगे. बट फिलहाल आप लोग को मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, दैट मेरा थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई आज मेरा स्पॉट का प्राइस कितना है फ्यूचर का, उस पे 3 महीने बाद का, जो अगर मैं आज की तारीख में 3 महीने बाद का फ्यूचर्स लेना चाह रहा हूं, देन इन दैट केस बीच में क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, सीधी सी बात है. सो 1200 रुपीज के ऊपर कितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगेगा, वो इंटरेस्ट का जो कॉम्पोनेंट है एडजस्ट करके मेरा फ्यूचर्स का प्राइस आना चाहिए, एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज कॉस्ट टू कैरी मॉडल.
तो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स आप कैसे निकालते हो? बाय यूजिंग द कॉस्ट टू कैरी मॉडल. एंड कॉस्ट टू कैरी मॉडल क्या होता है? स्पॉट प्राइस जो अभी मैंने आपको बताया जो 1200 रुपया है वो होना चाहिए, प्लस कैरिंग कॉस्ट. सो यहां पे आपको 3 महीने तक का कैरिंग कॉस्ट जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको अदरवाइज मिलता था वो आपका ऐड हो जाएगा. एंड अगर इस पे कोई डिविडेंड मिलने वाला है तो इनकम है तो उतना पार्ट माइनस हो जाएगा. सो इन शॉर्ट आपका कैरिंग कॉस्ट, इन शॉर्ट आपका कॉस्ट टू कैरी मॉडल, C2C कॉस्ट टू कैरी मॉडल के हिसाब से व्हाट शुड बी योर थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस? इट शुड बी भाई मेरा स्पॉट का जो प्राइस है वो प्लस मेरे को कैरी करना पड़ेगा तो उसका कैरिंग कॉस्ट. बट अगर मेरे को इधर से स्पॉट से कुछ डिविडेंड आ गया तो उतना डिविडेंड भी मेरा माइनस हो जाएगा. एंड दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज माई थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस. और इसको कैलकुलेट करने के अराउंड 9 to 10 वेज है. वो सारे के सारे विद एग्जाम्पल अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा एंड यू विल बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये डिविडेंड क्यों माइनस किया? मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं. देखो समझे तो ठीक है, बाकी अदरवाइज इसका मेरा डिटेल वीडियो है वो मैं आपको बता सकता हूं तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा, बट फिर भी आइडिया ले लो. अब समझो मैं अगर स्पॉट पे ये शेयर खरीदने को जा रहा हूं जिसका 1200 रुपीज है, तो अगर मैं ये 1200 रुपीज आज का आज ही इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा तो 1200 रुपया अटक गया. और समझो मैंने ये 3 महीने तक मैंने होल्ड करके रखा एंड एट द रेट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठ रहा है. सो वॉट आई विल डू इज कि मेरा 1200 रुपया अटक गया इंटू 12% इंटू 3/12, तो कैन आई से मेरा 36 रुपीज मैं अदरवाइज इसके ऊपर कमा सकता था. बराबर है 1200, आप करो देखो 1200 इंटू 12% इंटू 3/12, तो 1200 इंटू 12% इंटू 3/12 तो ये आपका है 36 रुपीज. सो अगर समझो मैंने स्पॉट खरीद लिया 3 महीने के लिए तो मेरा 36 रुपीज का तो मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, मैं धुंधला क्यों हो रहा हूं? ठीक है, तो वो 36 रुपीज मेरा स्टक हो गया. ठीक है, सो दैट बेसिकली इज माय कैरिंग कॉस्ट. बट अगर मैं ये शेयर खरीद लेता तो माना 36 रुपीज मेरा ब्लॉक हो गया है, बट अगर डिविडेंड मिलता तो वो भी तो मेरे जेब में ही आता ना. सो इन शॉर्ट नेट तो मेरा 1216 रुपीज ब्लॉक हुआ है. अब आज अगर मैं फ्यूचर्स को फ्रीज करना चाहता हूं, 3 महीने बाद के फ्यूचर्स को फ्रीज करना चाहता हूं, तो आइडियली द रेट शुड बी 1216, क्योंकि फ्यूचर्स फ्रीज करने के लिए मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मार्जिन मनी है वो कोई मेरा कॉस्ट नहीं है, वो तो मार्जिन मनी मेरे को पूरा बाद में मेरे पास रिफंड आने ही वाला है. मार्जिन मनी तो खाली एक सिक्योरिटी के लिए वो लोग ने रखा हुआ है स्टॉक मार्केट ने. तो यहां पे आइडियली थियोरेटिकली 1216 इज द अमाउंट दैट शुड बी पेड फॉर 3 month फ्यूचर प्राइस. अब पेड मैं एक्चुअली पे तो नहीं कर रहा हूं, तो उतना 1216 मेरा फ्यूचर्स का एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए बिकॉज मेरे को एक्चुअली उसके लिए कुछ पे नहीं करना है, बट एटलीस्ट वो अमाउंट मेरा वहां पे फ्रीज हो जाएगा. सो इट इज स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट. अगर मैंने शेयर ही खरीद लिया होता तो 36 रुपीज का मेरा कॉस्ट और लगता, बट डिविडेंड मिल जाता उतना मेरे को पैसा मिल जाता. सो नेट नेट मेरे जेब से आज 1216 जाता फॉर अ 3 year स्पॉट. बस वही बन जाता है मेरा फ्यूचर्स का थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस. समझ में आया? सो फॉर्मूला क्या बनता है आपका? थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज आज का जो स्पॉट का प्राइस है प्लस जो मेरा कैरिंग कॉस्ट है माइनस अगर मेरे को उधर से कुछ डिविडेंड मिल गया, दैट विल बी माय कॉस्ट टू कैरी मॉडल थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स. अब ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू फाइंड करते हैं. अब थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स अपने एग्जाम्पल में आया है, TFP अपने एग्जाम्पल में आया है 1216 रुपीज. अब दो ऑप्शन है. अगर मार्केट में एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस 1210 है या एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस 1225 है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? सो अगर 1216 की चीज मेरे को 1210 में मिल रही है तो मैं इसको बोलूंगा दैट इट इज अंडर वैल्यूड एंड मेरे को ये बाय कर लेना चाहिए. बराबर है? सो थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज मोर देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस. सो थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज मोर देन एक्चुअल. किधर गया ये? ओके, ये
एक्चुअल आ जाएगा, ये एक्चुअल आ जाएगा, तो उसको मैं एक चेंज कर देता हूं. सो इधर मैं आपको बता दू, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज मोर देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, देन इन दैट केस इट इज अंडर वैल्यूड. सही है ना भाई, उसका वैल्यू होना चाहिए 1216. अपने को ये कैलकुलेटर 1216 के जगह पे AFP 1210 में मिल रहा है, जय बात बाय कर लो. एंड सामने अगर 1216 है मेरा, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज लेस देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, देन इन दैट केस दिस इज ओवर वैल्यूड. भाई ये कैलकुलेटर है ना 1216 का होना चाहिए, तू क्यों 1225 में बेच रहा है, चल तेरा जो फ्यूचर्स है वो ओवर वैल्यूड है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये यहाँ पे अगर मेरे को एक कंक्लूजन लिखना है तो आप लोग के साथ एक कंक्लूजन लिखता हूं भाई, TFP मोर देन AFP. सो क्या बोला अपन लोग ने, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस मोर देन एक्चुअल में जो फ्यूचर प्राइस दिख रहा है अगर वो ज्यादा है, TFP ज्यादा है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से, तो मैं बोलेगा भाई ये अंडर वैल्यूड है, बाय कर लो. कोई भी चीज अंडर वैल्यू होती है तो उसको बाय कर लेने का, कैप्चर कर लेने का, यस बाय कर लेने का. और अगर TFP इज लेस देन एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस, देन मैं बोलेगा ये ओवर वैल्यूड है, महंगे में बेच रहे हैं, खरीदने का ही नहीं. ठीक है, सो ये आगे आपको इसका और मैंने प्रॉपर चार्ट दिया है, तो जब अपन लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं ना, तो आर्बिट्राज के टाइम पे आपको ये चीज देखो इधर देखने को मिलेगी, दैट इफ TFP इज लेस देन, इफ TFP इज लेस देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, इफ TFP इज लेस देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इट इज ओवर वैल्यूड, एंड इफ TFP इज मोर देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इट इज अंडर वैल्यूड. ए समझ में आया एवरीबॉडी? सो दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज विथ फ्यूचर्स. समझू 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 डन. अब ये थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलो आप उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अब जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं आपका एग्जामिनर होता मैं डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन डालता ही डालता, एंड दैट थियोरेटिक क्वेश्चन डालता ही डालता, एंड दैट इज रिलेटेड टू बेसिस. स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है ना, यहां पे आपको दिख रहा है ये स्पॉट प्राइस कितना है 1200, बट फ्यूचर प्राइस सेम चीज का कितना है 1216. क्यों ये डिफरेंस आ रहा है? कैरिंग कॉस्ट और डिविडेंड की वजह से. इसको कहते हैं बेसिस. सो थियोरेट तो स्पॉट प्राइस और उसका ही फ्यूचर्स प्राइस का जो डिफरेंस है ना, ये इसको कहते हैं बेसिस. ये क्यों आता है? कैरिंग कॉस्ट और डिविडेंड की वजह से. तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बेसिस. अच्छा, आप लोग ने लॉजिकली एक चीज देखी कि अगर स्पॉट प्राइस मैं आज ही लेता, देन इन दैट केस आज का अगर मैं खरीद लेता तो 1200 में खरीद लेता, 3 महीने का समझो फ्यूचर्स है, 3 महीने तक वो स्टॉक रखता तो 1236, बट उस पर कुछ डिविडेंड मिल जाता तो इफेक्टिवली वो 1200 की चीज 3 महीने तक मैं रखता हूं तो मेरे को 1216 में पड़ रही है, विच शुड बी द फ्यूचर्स प्राइस. बट जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन तो कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं, कोई डिविडेंड नहीं. सो 99.99% स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी सेम ही रहता है. कभी प्रैक्टिकली देखना हो तो देख लेना. अब यहां पे बेसिस क्या होता है? स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस. अभी जो 16 रुपया अपना था वो क्या है? वो बेसिस है. नाउ व्हेन स्पॉट प्राइस इज लेस देन द फ्यूचर प्राइस, बेसिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव, एंड अपन बोलते हैं कॉन्टैंगो मार्केट चल रहा है. बट इफ इट इज मोर देन फ्यूचर प्राइस, बेसिस इज पॉजिटिव, वी कॉल दैट इन्वर्टेड या बैकवर्डेशन मार्केट चल रहा है. एंड व्हेन इट इज इक्वल ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी वी कॉल इट एज दैट कन्वर्जेंस मार्केट चल रहा है. सो ये आपको थ्योरी के लिए आ सकता है, ध्यान में रखना. इक्वल हुआ कन्वर्जेंस मार्केट, ठीक है ना, कब होता है वो? यूजुअली एक्सपायरी के ऊपर. बट अगर स्पॉट इज मोर देन फ्यूचर्स देन कॉन्टैंगो, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन इज व्हेन स्पॉट इज लेस देन फ्यूचर्स, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे यही होगा, स्पॉट इज गोइंग टू बी लेस देन द फ्यूचर प्राइस, तो कॉन्टैंगो मार्केट होता है और कॉन्टैंगो इवेंचुअली कन्वर्जेंस में कन्वर्ट होता है. बट इफ स्पॉट इज मोर देन द फ्यूचर्स प्राइस देन इट इज कॉल्ड एज द इन्वर्टेड और बैकवर्डेशन मार्केट. समझ में आ गया एवरीबॉडी? बट ऑब्वियसली ये होने के चांसेस बहुत कम है अंटिल एंड अनलेस यू लिव इन अ कंट्री लाइक जापान जहां पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता है. समझ में आया? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कब होता है, जापान जैसी कंट्रीज में होता है. अब बेसिस मेरा थ्योरी भी हो गया है, अब मेरे को कैलकुलेशंस करके दिखाना है आपको दैट ये थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है. सो फॉर्मूला तो अभी अपने को पता है,
What is the formula? Theoretical future price is equal to spot price plus carrying cost minus dividend. अब ये carrying cost और dividend जितना easy लग रहा है ना, उतना easy होगा नहीं, क्योंकि carrying cost में तीन तरीके होते हैं. एक होता है it could be based on simple interest. तो अगर वो based on simple interest है तो अपने को ये, I hope time value of money आपका basics आपका clear हो, नहीं हो तो मैं उसका video डाल दूंगा, वो देख लेना. But अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आरटी. तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर्स का प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका स्पॉट इनटू 1 प्लस आरटी जो भी आपका ड्यूरेशन है. अगर कंपाउंडिंग हुआ देन 1 प्लस आर रेज टू आरटी. मल्टीपल कंपाउंडिंग हुआ देन इन दैट केस फॉर्मूला आपको पता होगा 1 प्लस आर अपॉन एन रेज टू टी into n and continuous compounding हुआ तो e raise to rt. So ये आपको carrying cost के लिए ये तीनों में से कोई भी method वो बोल सकता है and that is why ये elaborate हो जाता है. बाकी तो simple है, carrying cost add करना है, dividend less करना है. अब dividend में भी कहानी है. Dividend में भी दो तरह के dividend होते हैं. एक dividend based on face value जिसको अपन लोग बोलते हैं simple या absolute dividend calculated on face value. तो अगर आपको कुछ नहीं बोला है बाय डिफॉल्ट यू शुड कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू एंड इस पे टाइम पीरियड का या कोई इंपैक्ट देने का जरूरत नहीं है. तो अगर आपको बोल दिया कि भाई 50% डिविडेंड इज गिवन सो बाय डिफॉल्ट 10 रुपए के ऊपर 50% कितना होता है 5 रुपया होता है. दैट बिकम्स योर सिंपल और एब्सोल्यूट डिविडेंड. बट अगर आपको बोला डिविडेंड यील्ड, अगर आपको बोला कि डिविडेंड यील्ड दिया है, नाउ डिविडेंड यील्ड इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस डीपीएस अपॉन एमपीएस, इन दैट केस आपको टाइम पीरियड का भी इंपैक्ट देना पड़ेगा. सो आपको देखना पड़ेगा दैट डिविडेंड कितने, मतलब वो जो डीपीएस है डिविडेंड यील्ड दिया है वो कितने ड्यूरेशन के लिए दिया है एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट डिविडेंड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन. सो यहां पे देखो क्या लिखा है, डिविडेंड कैलकुलेटेड विल बी बेस्ड ऑन द मंथ्स. सो दो तरह के डिविडेंड, सिंपल या एब्सोल्यूट डिविडेंड अगर दिया है विच इज बेस्ड ऑन फेस वैल्यू तो कोई टाइम इंपैक्ट कुछ इंपैक्ट देने का जरूरत नहीं, जितना बोला है उतना डायरेक्टली डिविडेंड माइनस कर देने का, बात खत्म. बट अगर डिविडेंड यील्ड बोला है देन कन्वर्ट दैट डिविडेंड यील्ड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द फ्यूचर्स. आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे और फिर उतना डिविडेंड आपका माइनस होगा. समझ में आ गया एवरीबॉडी? सो यहां पे जब मेरे को थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है तो स्पॉट तो दिया हुआ ही होगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पर ये जो कैरिंग कॉस्ट है इसमें तीन बातें हो सकती है. एक सिंपल इंटरेस्ट, तो एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आरटी हो जाएगा. एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर ये है तो एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेस्ट टू टी हो जाएगा. और अगर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है देन ई रेस टू आर टी हो जाएगा, ई रेस टू आर टी हो जाएगा. ये बेसिकली कैलकुलेशन है आपका कैरिंग कॉस्ट का. और अगर समझो डिविडेंड वाली बात हुई तो डिविडेंड में दो बातें हो सकती है, या तो सिंपल या जिसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट डिविडेंड, या अपना जो दूसरा होता है वो है डिविडेंड यील्ड. अगर सिंपल या एब्सोल्यूट डिविडेंड है then in that case this basically simple या absolute dividend है, इसमें कोई time period का impact नहीं है, सीधा face value के ऊपर percentage जो भी dividend है वो calculate करो आ जाएगा आपका. एंड जो आपका डिविडेंड यील्ड है अगर वो दिया है देन इन दैट केस डिविडेंड यील्ड का जो परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 जो भी फ्यूचर्स का ड्यूरेशन होगा, आपको वो डिविडेंड यील्ड को बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टीएफटी. समझ में आ गया ये बेसिक लॉजिक? अब यहाँ पे टीएफई कैलकुलेट करने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं सो दैट यू आर वेरी क्लियर. सपोज स्पॉट दिया है 598, इंटरेस्ट दिया है 15% एंड इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 25%. अब अगर कुछ नहीं दिया है देन ऑलवेज अज्यूम इट टू बी अ सिंपल और एब्सोल्यूट डिविडेंड, तो 25% ऑन फेस वैल्यू 2.5 माइनस कर दो, बात खत्म. 2.5 माइनस कर दो, बात खत्म. एंड यहाँ पे अपना फॉर्मूला है स्पॉट इंटू 1 प्लस आरटी, तो 1 प्लस आर 15% है इंटू 3 मंथ्स के लिए इंटू 3/12, ये आपको थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा. आई होप फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा. सेकंड वाला है सिंपल इंटरेस्ट बट विद डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट. सो डिविडेंड यील्ड दिया है यहाँ पे से 5% का, तो आपको इन सच सिचुएशन क्या करना है पता है क्या, आर माइनस डी करना है इंटू ड्यूरेशन, बिकॉज आप जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है
उसको आप मल्टीप्लाई बाय 4/12 करने ही वाले, वो तो बाय डिफॉल्ट करना ही है। डिविडेंड भी यील्ड के बेसिस पे है, तो जब डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे है तो अपन लोग उसको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करते हैं, तो उसको भी आप मल्टीप्लाई बाय जो भी 4/12 करोगे। सो क्यों ना आर और डी को अंदर ही माइनस कर दिया जाए, जो नेट बचता है मल्टीप्लाई बाय द ड्यूरेशन, एंड इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट विद डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। सपोज इट इज कंटिन्यूअस सॉरी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विद डिविडेंड, तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो 1+r^t-d हो जाएगा। सो अगेन r हियर इज 0.1515% t क्या है 3/12, ड्यूरेशन इज 3 months, तो 3/12 माइनस डिविडेंड। अब डिविडेंड यहाँ पे कितना है 200%, सो 10 का 200% 20 माइनस करो, आ गया आपका आंसर। सपोज इसी में विद डिविडेंड यील्ड है, तो r रेस टू टी माइनस डी था, वो आर के साथ पहले माइनस डी हो जाएगा, फिर उसके ऊपर ड्यूरेशन का इंपैक्ट दे दो, तो 1+r-d करने के बाद फिर बाद में आपका जो यहां पे है आप उसको ड्यूरेशन पे टी पे खींच सकते हो। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, तो यहां पे देखो इंटरेस्ट और वो सब तो दिया हुआ ही है, बस आपको यहाँ पे r माइनस डी करना है, बिकॉज दिस इज डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड यील्ड नहीं है तो लास्ट में माइनस, एब्सोल्यूट डिविडेंड है तो माइनस डिविडेंड करके उसका टेंशन खत्म। सीसी विदाउट डिविडेंड, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, विदाउट डिविडेंड है तो सीधा स्पॉट इंटू ई रेस टू आर टी करने का कोई टेंशन नहीं है। एंड अगर विद डिविडेंड है तो अगेन यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है तो आर माइनस डी कर दो इनटू टी एंड यू विल गेट योर आंसर। ये सारे फॉर्मूलास को समराइज कर दिया है आपके लिए इस टेबल में। अच्छा, ई रेस टू एनी नंबर या कैसे कैलकुलेट करते हैं डर्टी पावर को यूज करके, आइडियली ये जब ब्लैक एंड शोल्स कर रहे थे तो वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को लिखवाया है, आई एम नॉट श्योर आपने दिया कि नहीं, बट अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। सो ई रेस टू 0.12, समझो आपको कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कैलकुलेट करना है फॉर 12%, सो ई रेस टू 0.12 अगर है तो जो भी आपका रेस टू है ना 0.12 दैट डिवाइड बाय 4096 प्लस 1 इनटू इज इक्वल टू करना है 12 टाइम्स एंड माइनस 1 करोगे तो आपको आपका आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड अगर आपको रिवर्स करना है विच इज नेचुरल लॉग फाइंड करना है, तो आपको 1.1275 दिया है, तो यहां पे आपको रूट ऑफ 12 रूट 12 टाइम्स करना पड़ेगा, माइनस 1 इंटू 4096 आपको मिल जाएगा 0.12। सो ये इसको बोलते हैं डर्टी पावर। सो यहाँ पे डर्टी पावर में आप क्या करते हो, जो भी आपका रेस टू है उसको उठा लो, पावर को ले लो, पावर डिवाइड बाय 4096 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करो माइनस 1 करो एंड यू विल गेट द कंटिन्यूअस कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। समझू एवरीबॉडी? सो वो यहाँ पे जहां पे भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है यू कैन यूज इट। अब आप लोग के सामने है ये पूरा का पूरा टेबल जहां पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग सारा इधर मैंने सिचुएशन ले लिया है। आओ 2 मिनट में आपको ये भी दिखा देता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला हुआ विदाउट डिविडेंड इनकम, क्वेश्चन आपको देगा 1+rt सीधा। अगर विद डिविडेंड इनकम हुआ 1+rt-d, और डिविडेंड यील्ड वाला हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट विद डिविडेंड यील्ड, तो r-d into t हो गया। ये आपको क्लियर एकदम दिमाग में। फिर अपन लोग आ जाते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर। अब इसमें अगर सिंपल हुआ विदाउट डिविडेंड 1+r^t, मल्टीपल कंपाउंडिंग हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो देख लेना r/n^t. अब अगर यहां पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में विदाउट डिविडेंड यील्ड हुआ, मतलब नॉर्मल डिविडेंड वाला हुआ तो सीधा माइनस डी हो जाएगा, और अगर वो डिविडेंड यील्ड वाला हुआ तो r-d^t हो जाएगा। एंड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में और भी इजी है, सीधा पहला तो e^rt, अगर डिविडेंड है नॉर्मल वाला एब्सोल्यूट वाला तो माइनस डी कर दो भाई, s into r^t जैसा है वैसा ही रहेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस खाली डिविडेंड करना है वो आप कर देना। और अगर डिविडेंड यील्ड है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के साथ, सो s into e^r-d^t आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑल सिचुएशंस विद यू इन वन टेबल। अब आपको भी सम उठा के कर लो इंस्टीट्यूट का, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ये खाली कुछ चीजें बताइए, तो d/e^rt
को आप d into e raise to minus rt भी लिख सकते हो, या उसका मैंने इधर डेरिवेशन दिया है, TVM time value of money, s spot rate, t time period, r rate of interest, number of compounding n, and याद रखना on date of expiry future price is equal to spot price. I hope समझ में आ गया होगा. अब ये TVM क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये मतलब time value of money. तो अगर time value of money हुआ with time value of money, then in that case आपको उसको डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू टी करना पड़ता है, बिकॉज वही जो अपन लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं तो डिवाइड करते हैं ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर. ये वही डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये वही डिस्काउंटिंग फैक्टर है. दैट्स इट. ए समझो एवरीबॉडी. सो ये था आपका थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइसिंग. एंड अब अपन लोग आ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बॉस, जिसके लिए मैं ये हेजिंग करवा रहा हूं. And that, I mean, जिसके लिए मैं ये futures use कर रहा हूं, and that, ladies and gentlemen, is called as hedging. जी हाँ. So, hedging कैसे करना है futures में, आइए आपको बताता हूं मैं. So, यहां पे आप hedging कैसे करोगे, तो अब देखो, अगर आपने से for example कोई company का share खरीदा है, ठीक है, ठीक है, आपने कोई company का share खरीद लिया, अब आपको क्या डर है, हेजिंग क्यों करता है आदमी, इंश्योरेंस है हेजिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई कुछ मार्केट का ऊपर नीचे अलग मूवमेंट हो गया तो भाई अपने को प्रॉब्लम ना हो जाए. सो यहां पे ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर बाय किया है, मुझे क्या डर है कि वो नीचे चले गया तो, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो नीचे चला गया तो भी मेरा फायदा हो जाए. जब बात फ्यूचर्स को मैं शॉर्ट कर दूंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज भले ही शेयर का प्राइस नीचे चले जाए तो यहां पे स्पॉट मार्केट जो शेयर खरीदा है उसमें लॉस हो जाएगा, बट वो मेरा हेज हो जाएगा इन द फ्यूचर्स मार्केट, क्योंकि अगर मैंने शॉर्ट किया है और अगर मार्केट नीचे गया, करेक्ट, देन इन दैट केस मुझे एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो जो गेन है वो मेरे लॉस को ऑफसेट कर देगा. देखो हेजिंग से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि प्रॉफिट हो जाए, हेजिंग से आप एक्सपेक्ट करते हो कि लॉस बढ़े ना. समझो आपने शॉर्ट सेल किया है, शॉर्ट सेलिंग समझते हैं ना, आपके पास शेयर ना हो तो भी आपने सेल कर दिया, तो जब आप शॉर्ट सेल करते हो ना तो यू वॉन्ट कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि आपने बेच दिया है एक भाव पे, ठीक है, सॉरी जब आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो समझो आपने 1000 रुपए के ऊपर शॉर्ट सेल कर दिया है, अब आपको खरीदना है, तो जब आपको खरीदना है तो आपको चाहिए कि मार्केट नीचे जाए, राइट. सो इन दैट केस आप ये सब केसेस में फ्यूचर्स इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज, राइट. सो अगर मैंने शेयर्स बाय किया, मुझे डर है कि मार्केट नीचे चले जाएगा, अगर मार्केट नीचे चले गया तो मुझे हेज करने के लिए फ्यूचर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा. आई होप वी आर क्लियर. सो बाय मैं जब फ्यूचर्स कर रहा हूं, बाय जब मैं स्टॉक कर रहा हूं, तो मैं फ्यूचर्स को मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा. और अगर मैंने शॉर्ट सेल किया है, तो शॉर्ट सेल किया तो मैंने सेल कर दिया, मेरे को चाहिए मार्केट नीचे जाए, तो मुझे डर क्या है, मुझे डर है कि मार्केट ऊपर चले गया तो मुझे तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेल लो पे किया है, मेरे को हाई पे बाय करना पड़ेगा. तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो मुझे फायदा हो जाए, लॉन्ग फ्यूचर्स. तो आपने शेयर्स बाय किया है, शॉर्ट फ्यूचर्स कर लो, अगर आपने शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है, लॉन्ग फ्यूचर्स कर लो. समझ में आया हेजिंग कैसे होता है अब, ठीक है. अब ये क्या कब पॉसिबल है, जब आपने जिस शेयर को बाय किया या जिस शेयर को शॉर्ट सेल किया है उसी शेयर का सामने फ्यूचर्स अवेलेबल हो, मार्केट में उसी शेयर का आपके पास फ्यूचर्स अवेलेबल होना चाहिए. तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने HDFC बैंक का शेयर्स बाय किया है, अब मुझे डर है कि वो नीचे ना चले जाए, तो मैं HDFC बैंक के शेयर्स को शॉर्ट सेल, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दूंगा. अब अगर मैं HDFC बैंक के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहा हूं तो एक फ्यूचर शॉर्ट है, एक शेयर्स बाय, दोनों हेज हो जाएगा. बट अगर मैंने Zomato का शेयर बाय किया तो मैं उसको हेज किसके साथ करूं, Zomato का तो फ्यूचर्स अवेलेबल ही नहीं है, फ्यूचर्स इज अवेलेबल ओनली ऑफ द ए ग्रुप कंपनी, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, इंफोसिस, टाटा मोटर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो बॉस अब ऐसे सिचुएशन में जब मैं ऐसा शेयर खरीद रहा हूं जिसका फ्यूचर्स में है ही नहीं अवेलेबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा, इन सच सिचुएशन आई विल हेज इट थ्रू इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स. इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी, तो निफ्टी का फ्यूचर अवेलेबल है. तो अगर समझो मैंने Zomato का शेयर बाय किया तो मैं निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट कर दूंगा. बट अब ध्यान से सुनना, HDFC का शेयर बाय किया तो HDFC का फ्यूचर शॉर्ट किया. अब HDFC का शेयर और फ्यूचर, अंडरलाइंग और डेरिवेटिव दोनों का मूवमेंट तो अपने को पता है साथ साथ में ही होने वाला है.
बट मेरा इधर जोमेटो का शेयर और मेरा उधर निफ्टी का फ्यूचर, इन दोनों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। एचडीएफसी शेयर और एचडीएफसी फ्यूचर सेम लेवल पे मूव करेंगे तो मैं उसमें स्ट्रैटेजी बिठा सकता हूं। यहां पे मैं स्ट्रैटेजी कैसे बिठाऊ? इन सच सिचुएशन आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। तो मैं देखूंगा जोमेटो बीटा, जोमेटो का बीटा कितना है, तो मार्केट के हिसाब से वो कैसे मूव कर रहा है, सो दैट मैं उस बीटा के हिसाब से मेरे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूं। तो से फॉर एग्जाम्पल जोमेटो और निफ्टी का फ्यूचर्स, जोमेटो और निफ्टी में बीटा है 2 का, ठीक है। तो अगर जोमेटो अगर निफ्टी 10 से ऊपर गया तो जोमेटो 20 से ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी 20 से ऊपर गया तो जोमेटो 40 से ऊपर जाएगा, तो 2 का बीटा है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल परचेज 2 टाइम्स द शेयर्स और फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी, क्यू मल्टीप्लाई बाय बीटा मैंने कर दिया। समझ में आई आपको बात? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो शेयर जिसका फ्यूचर्स नहीं है उसके उसके लिए मैं निफ्टी स्टॉक इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स बाय कर लूंगा, इसको कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो मैं इंडेक्स फ्यूचर्स उसका बाय कर लूंगा, बट इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन सेट करता है बीटा। तो मैं बीटा को यूज करके मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना इंडेक्स में शॉर्ट करूं, सच दैट मेरा जोमेटो का मूवमेंट और इंडेक्स का मूवमेंट मैच हो जाए और मेरे को फुल्ली हेज मिल जाए। समझ में आया आपको ये लॉजिक? सो इधर देखो, हेजिंग मींस इंश्योरिंग योरसेल्फ अगेंस्ट एन अनवांटेड सिचुएशन। इफ आई हैव बॉट अ एचडीएफसी शेयर्स, आई हैव अ फियर ऑफ इट्स प्राइस गोइंग डाउन, सो आई विल इंश्योर दैट यू आर हेज्ड बाय टेकिंग ऑपोजिट पोजीशन इन एचडीएफसी फ्यूचर्स। सो इवन इफ द मार्केट गोज एडवर्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट इफ आई हैव अ जोमेटो शेयर देन आई कैन नॉट टेक ऑपोजिट एक्शन इन फ्यूचर्स एज देयर इज नो जोमेटो फ्यूचर। In such situation, no futures contract for so many stock. We will hedge them by using index futures and use beta to adjust the exact hedge. Samjho everybody. So, aao, samajhte hain. Do situation, hedging with stock futures, hedging with index futures. So, stock futures ka to mujhe tension hi nahi hai. Say for example, maine 10 lakh ka shares liya. अब ध्यान से सुनना, तुम लोग को जवाब देना है, अभी कभी चाहिए तो कमेंट पे जवाब दे देना। मैंने 10 लाख रुपए का शेयर्स लिया तो मुझे टेंशन है ये 10 लाख रुपए का ही जीरो ना हो जाए। तो मैंने एचडीएफसी का शेयर्स लिया, ठीक है, तो अभी फिलहाल हेजिंग विद स्टॉक फ्यूचर्स कर रहे हैं, तो मैंने एचडीएफसी बैंक का 10 लाख रुपए का शेयर्स लिया, तो सामने मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा एचडीएफसी का। अगर मेरे को फ्यूचर शॉर्ट करना है तो वो भी 10 लाख के वैल्यू का करूंगा। अब यहां पे एचडीएफसी लॉट में बिकता है, यहाँ पे शेयर्स तो अपन लोग ने 10 लाख का खरीद लिया, ये तो लॉट में बिकेगा। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, मेरे पास एचडीएफसी का एक फ्यूचर का लॉट है ऑफ ₹2 लाख, एक फ्यूचर का लॉट है ऑफ ₹2 लाख। आप मेरे को बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट लोगे आप यहाँ पे, कितने लॉट लोगे? 5 लॉट्स ले लोगे। ए समझिगड़ो एवरीबॉडी। सो 10 लाख का मेरे को इधर, 10 लाख का अगर इधर मेरे को बाय किया है मैंने शेयर्स, और 10 लाख का फ्यूचर्स एचडीएफसी का ही मेरे को शॉर्ट करना है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं उतने कॉन्ट्रैक्ट्स ले लूंगा कि मेरा ये वैल्यू मैच हो जाए। तो इसके लिए 10 लाख आपने क्या किया, देखो 10 लाख जो मेरा वैल्यू ऑफ शेयर्स था डिवाइड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2 लाख था, उससे आपको मिला, आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट लेना है। दिस गिव्स मी माय फॉर्मूला कि अगर मेरे को नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, वैल्यू ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझियो एवरीबॉडी। सो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स पर लॉट इनटू फ्यूचर प्राइस। तो ये बेसिकली आपका 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइज है एचडीएफसी फ्यूचर्स का, टोटल 10 लाख जितना मेरे को हेजिंग करना है, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। कैसे किया, 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 10 लाख क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? अच्छा, ये ऊपर का तो अपने को पता ही है, टेक ऑपोजिट एक्शन, शेयर्स बाय किया है तो शॉर्ट करो, शॉर्ट सेल किया है तो लॉन्ग करो फ्यूचर्स में। अब एग्जाम्पल देखो, विच पोजिशन गिव्स अ स्पेक्यूलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, शॉर्ट सेल शेयर्स ऑफ L&T वर्थ 10 लाख, वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर 1 लाख। तो कैन आई से मेरे को 10 कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। एंड सेम वे अगर मैंने शेयर बाय किया है टाटा का वर्थ ₹8 लाख एंड वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर इज 50,000, तो कैन आई से मेरे को 16 कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। कैसे आएंगे, वैल्यू ऑफ शेयर और पोर्टफोलियो डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्ट साइज। अच्छा, यही अगर मेरे को हेजिंग करना है विद इंडेक्स फ्यूचर्स, क्योंकि हो सकता है जोमेटो जैसा मैंने कोई शेयर खरीदा हो जिसका सामने फ्यूचर ना अवेलेबल हो, देन इन दैट केस सेम वैल्यू ऑफ शेयर और पोर्टफोलियो अपॉन
वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बट मल्टीप्लाई अभी मेरे को करना है विद बीटा। समझ में आया आपको? अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पूरा हेज नहीं करना है, 50% हेज करना है। तो जितना आपको हेज करना है उतना ही बीटा से आप मल्टीप्लाई करो तो उतना आपका हेजिंग हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको एवरीबॉडी? तो अभी से फॉर एग्जांपल मेरा यहां पे है बीटा 1.1। ये देखो, ये नीचे क्वेश्चन आपको यहां पे दिखेगा, द बीटा ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर टू बी सोल्ड बाय द फंड मैनेजर, टोटल मेरा 90 करोड़ का मैंने शेयर्स बाय किया है, ठीक है, डिवाइड बाय किससे करते हैं अपन बेटा डिवाइड बाय किससे करते हैं अपन लोग, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज 4300 इंटू एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 50 है, तो 4300 इंटू 50 बराबर है, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को बाय करना है, बट मेरा बीटा 1.1 है, मल्टीप्लाई बाय 1.1 तो मेरे को आ जाता है यहाँ पे 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अब से फॉर एग्जांपल मार्केट फॉल डाउन करता है, ऊपर जाता है, जो भी हो आपका ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, समझो। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाउ मेनी इंडेक्स द फंड मैनेजर अप्रीहेंस दैट द इंडेक्स विल फॉल बाय एट मोस्ट 10%। तो इंडेक्स 10% से गिर गया, समझो, तो लॉस इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ द इंडेक्स फॉल्स बाय 10%। तो अगर मार्केट 10% से गिरता भी है तो मेरे पास शेयर्स कितने का है, 90 करोड़ का मेरे पास शेयर्स है और मेरा बीटा है 1.1 का, समझ रहे हो? तो मेरे को 90 का शेयर्स है, मार्केट गिरा 10% तो इनटू 10% का 9 का मेरे को लॉस, पर मेरा बीटा है 1.1 तो इनटू 1.1 मैं करूंगा उतना मेरे को लॉस हो जाएगा, 9.9 करोड़ का मेरे को लॉस हो जाएगा। क्यों मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बिकॉज मार्केट 10% से गिरा तो मेरा शेयर 11% से गिरेगा, 10 इंटू 1.1 यार उतना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन लेक्चर देख लो, बीटा को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको समझ जाएगा उससे। तो यहां पे मैंने इंटू 1.1 से मल्टीप्लाई किया मेरे बीटा को, तो मेरे को पता चल गया भाई 90 करोड़ का था, 10% मार्केट गिरा, मेरा भी शेयर 10% से तो गिरेगा ही, इंटू 1.1 9.9 करोड़ से मेरा शेयर गिर जाएगा। बट मैंने फ्यूचर पोजीशन लेके रखा है, सो ऑपोजिट पोजीशन ऑन एक्सपायरी है, तो मैंने शॉर्ट किया था 4300 के ऊपर, ठीक है, अब मैंने बाय किया था ना शेयर्स, तो मैंने शॉर्ट किया होगा, अब मेरे को बाय करना है, मार्केट गिर गया तो मैं बाय करूंगा तो मेरे को उतना गेन हो जाएगा। सो अब मैं 4300 - 10% 3870 में बाय कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे को इधर 9.9 करोड़ का गेन, 9.9 करोड़ का लॉस, एंड फाइनली मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, हेजिंग पूरी तरह से हो गया। अब अगर आपको हेजिंग पार्शियल लेवल पे करना है तो आपको देखना इधर कि भाई जो भी, ये दो बार गलती से एग्जिस्टिंग बीटा गया, जो भी आपका बीटा है 1.1 2.1 जो भी है, मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज टू बी हेज, मेरे को 50% हेजिंग ही करना है, मल्टीप्लाई बाय 50% कर दो, सो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंटेज आपको हेज करना है, 20% 30% 50% जितना परसेंट हेज करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज हमेशा याद रखना कि कैश का कोई भी बीटा नहीं है, कैश का बीटा जीरो, अपने को पता है, सो कैश और बैंक बैलेंस विल नॉट बी हेज क्योंकि बीटा ऑफ कैश बैंक इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अगर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टारगेट बीटा इज टेकन एज जीरो इफ परफेक्ट रिस्क फ्री हेज इज रिक्वायर्ड और इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। सो क्वेश्चन देखो, ये केस में साइलेंट था ना, अपने वाला जो एग्जांपल है उसमें क्वेश्चन साइलेंट था, तो सीधा अपन लोग ने क्या किया, 1.1 से मल्टीप्लाई किया, जो बीटा है उसे मल्टीप्लाई करो। बट अगर कभी वो टारगेट बीटा दे दे तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस बीटा ऑफ टारगेट करने का एंड यू विल गेट द आंसर, सिंपल। अगर फुल हेज करना है मल्टीप्लाई बाय बीटा करो, अगर पार्शियल हेज करना है तो उसे 30% है तो मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय 30% करो तो उतना आपका हेजिंग हो जाएगा। अगर कुछ टारगेट बीटा आपको चाहिए देन इन दैट केस जो करंट पोर्टफोलियो बीटा है वो माइनस टारगेट बीटा करो, जितना बचता है उतना आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर बीटा का हेज। अभी अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं हेजिंग विद फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, पार्शियल हेजिंग, सब आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये केस में क्या था, फुल हेजिंग, जब आप सीधा मल्टीप्लाई बाय बीटा करते हो ना, इट इज अ केस ऑफ फुल हेजिंग, मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करते हो पार्शियल हेजिंग, मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस टारगेट पोर्टफोलियो करते हो रिक्वायर्ड टारगेट बीटा हेजिंग,
गॉट इट। बस इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। एंड अब अपन लोग आ रहे हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, एंड दैट बेसिकली इज आर्बिट्राज विद फ्यूचर्स। अभी कुछ देर पहले अपनी बात हुई थी दैट अगर मेरा थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लो भाई, मेरा थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस है 12 रुपए का और एक्चुअल में मिल रहा है चीज 10 रुपए में, मतलब ये अंडर वैल्यूड है भाई। इस चीज का वैल्यू 12 रुपए है बट अपने को वो 10 रुपए में दे रहा है। सो वेन एवर TFP इज मोर देन AFP, तो देखो TFP इज मोर देन AFP, इट इज अ केस ऑफ अंडर वैल्यू। एंड वेन TFP इज लेस देन AFP, इट इज अ केस ऑफ ओवर वैल्यू। ए समझी गुड, क्लियर एवरीबॉडी? अब कैसे इसको यूज करना है, एंड दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर्स। एंड जैसा प्रॉमिस किया था, 1 घंटे में ऑप्शन, 1 घंटे में फ्यूचर्स, एंड लेट द गेम बिगिन। वी हैव 7 मिनट्स, उसके बाद अपना पूरा 1 घंटा कंप्लीट फॉर फ्यूचर्स एंड प्रॉमिस भी कंप्लीट। यस, चलो अब अगर आपका AFP इज ग्रेटर देन TFP, मतलब कहना इसे अंडर वैल्यू वाला सिचुएशन है। किधर गया भाई? AFP इज लेस देन TFP, या TFP इज मोर देन AFP, देन इन दैट केस कैन आई से अंडर वैल्यू वाला सिचुएशन है। अगर अंडर वैल्यूड है देन इन दैट केस आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। क्या? आज आपको फ्यूचर्स लॉन्ग करना है, स्पॉट में आपको शेयर शॉर्ट सेल करना है एंड इन्वेस्ट एट द करेंट प्राइस। एंड अगर रिवर्स सिचुएशन है, EFP इज ग्रेटर देन TFP, देन इट इज अ केस ऑफ ओवर वैल्यूड। अब अगर ये ओवर वैल्यूड है तो आज आपको शॉर्ट करना है फ्यूचर्स और फिर बाद में स्पॉट पे बाय करना है एंड बोरो करना है। तो सर अभी ये क्या रट्टा मारना पड़ेगा? द आंसर इज नो। तुम्हारा भाई है ना, आपको बताएगा क्या करना है। सपोज अपन लोग लेते हैं एग्जांपल ये वाला, चलो TFP इज लेस देन AFP, मतलब कहना है इसे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 12 है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस 10 है, तो आइडियली इसका प्राइस होना चाहिए था 10 बट अभी 12 में बिक रहा है। तो जो चीज 12 में बिक रही है, तो कहना इसे 10 रुपए की चीज 12 में बिक रही है। अगर कोई सस्ती चीज महंगी बिक रही है तो आज का आज ही उसको बेच दो, आज का आज ही आपने शॉर्ट फ्यूचर्स कर दिया। कौन से मार्केट में ज्यादा में बिक रही है भैया? कौन से मार्केट में ज्यादा में बिक रही है? फ्यूचर्स मार्केट में, एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस मतलब फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा में बिक रही है। जिधर ज्यादा में बिक रही है उधर शॉर्ट फ्यूचर्स कर दो और उल्टा। एंड अगर समझो TFP इज ग्रेटर देन AFP, तो कहना इसे ये 10 है, ये 12 है, मतलब कहना इसे एक्चुअल फ्यूचर्स मार्केट में ये सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, चीप प्राइस में मिल रहा है, कोई चीज चीप प्राइस में मिल रही है तो उसको आपको बाय या लॉन्ग फ्यूचर्स करना चाहिए। कोई चीज आपको महंगी मिल रही है, कोई चीज आपको महंगी मिल रही है तो उसको आपको बेच देना चाहिए, यहाँ पे आप शॉर्ट फ्यूचर्स कर देंगे, हो गया आपका काम। जैसे ये आपने इधर शॉर्ट फ्यूचर्स किया तो आपको स्पॉट में बाय करना है, तो ये आपने फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट किया, आपको स्पॉट मार्केट में उल्टा बाय करना है, बाय शेयर। अब याद रखना ये आर्बिट्रेजर है ना, इसके पास कभी पैसा नहीं होता है, तो ये क्या करेगा? बोरो करेगा। क्यों बोरो करेगा? बोरो करके शेयर्स खरीद लेगा आज का आज। शॉर्ट फ्यूचर्स का तो मैंने सीधा एंट्री मार दिया, तो शॉर्ट फ्यूचर्स का मैंने एंट्री मार दिया उधर, बोरो करके बाय करेगा। अब जब मेरा सेटलमेंट होगा तो सुनो क्या क्या होने वाला है। देखो ये मैं सिचुएशन आपको बताता हूं, TFP लेस देन AFP, वापस से इसको डिकोड करो। सपोज ये 12 का है, ये 10 का है, तो जो चीज महंगी है उसको आज का आज ही क्या कर दो, कौन से मार्केट में महंगी है? फ्यूचर्स मार्केट में, तो फ्यूचर्स मार्केट में महंगी है तो फ्यूचर्स मार्केट में जाके बेच दो। तो आपने टुडे शॉर्ट फ्यूचर्स कर दिया। जैसे ही आप शॉर्ट फ्यूचर्स करते हो ना, आपको बाय स्पॉट करना पड़ेगा, आपको बाय स्पॉट करना पड़ेगा, तो आप शेयर्स ऑन द स्पॉट खरीद लेंगे। अरे बोलो रे, समझे क्या? यस सर, समझ गए। अब ये बाय करने के लिए भाई इसके पास पैसा नहीं है, तो ये बाय करने के लिए क्या करेगा? बोरो करेगा। आर्बिट्रेजर के पास कभी पैसा नहीं होता, तो बोरो किया उसने, तो ये उसने बोरो करके बाय कर लिया और शॉर्ट कर लिया है फ्यूचर्स। अब एक्सपायरी पे क्या होगा? बोलो बोलो, एक्सपायरी पे क्या होगा? एक्सपायरी पे शॉर्ट फ्यूचर्स को अपने को लॉन्ग करना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया लॉन्ग फ्यूचर्स। बाय जो स्पॉट है उसको कैन आई से शेयर को सेल करना पड़ेगा, भाई सब जीरो करना है ना पोजीशन, तो शेयर को सेल करना पड़ेगा। ओके सर, वो भी कर देंगे। एंड जो बोरोड अमाउंट है उसको मेरे को रीपे करना पड़ेगा।
उसको मेरे को रीपे करना पड़ेगा. तो यहां पे देखो, शॉर्ट फ्यूचर्स डन, बाय स्पॉट शेयर्स डन, बोरो डन, अब मैच्योरिटी पे लॉन्ग फ्यूचर्स डन, शेयर सेल डन, एंड इंटरेस्ट जो भी आपको रीपे करना पड़ेगा. आर्बिट्राज गेन आपको पता है क्या आएगा, जो आपका शॉर्ट फ्यूचर्स था वो आपका इनकम है, ये आपके पास पैसा आया है, बाय स्पॉट पे आपके पास पैसा गया, बोरो करने का तो कोई कॉस्ट नहीं है, बट उसको जो रीपे करने के लिए जो इंटरेस्ट लगता है उतना पैसा गया. आपको एक बात बोलू, लॉन्ग फ्यूचर्स ऑन एक्सपायरी एंड शेयर सेल ऑन एक्सपायरी विल बी सेम. अरे फ्यूचर का प्राइस स्पॉट पे एक्सपायरी के दिन पे तो सेम होता है ना, तो लॉन्ग करोगे फ्यूचर्स, शेयर्स को सेल करोगे, तो दोनों में सेम ही पैसा मिलेगा, ये दोनों कट हो जाएगा. शॉर्ट फ्यूचर्स प्लस, बाय स्पॉट माइनस, और जो इंटरेस्ट है वो मेरा माइनस हो जाएगा. आई विल गेट समथिंग कॉल्ड एज आर्बिट्राज गेन. और इसमें समझो अगर डिविडेंड का भी कॉम्पोनेंट हुआ तो जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी एड हो जाएगा. तो भाई शेयर्स मैंने बाय किया है तो उस ड्यूरेशन में क्या पता कोई डिविडेंड मिल गया, तो वो भी मेरे गेन में ऐड हो जाएगा. एंड एग्जैक्टली वाइस वर्सा पोजीशन आप सेट करोगे इन केस टीएफपी इज मोर देन एएफपी, और अंडर वैल्यूड वाला सिचुएशन है, आप लोग ट्राई करो. अब अगर अंडर वैल्यूड मतलब टीएफ एएफपी कम है, एएफपी कम है, जो चीज कम है उसको बाय कर लो, तो आप क्या करोगे पता है, लॉन्ग फ्यूचर्स कर लोगे. जैसे आपने लॉन्ग फ्यूचर्स की आपको आगे का मिल गया, शॉर्ट सेल शेयर्स मिल गया आपको, समझ आ गया, फिर बोरो करोगे आप, फिर अभी यहां पे शॉर्ट सेल किया है तो जो पैसा आएगा उसको आप इन्वेस्ट कर दोगे, जो पैसा आएगा उसको आप इन्वेस्ट कर दोगे. समझ में आया क्या तुम लोग को? सो तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो इधर, लॉन्ग फ्यूचर्स डन, शॉर्ट सेल शेयर्स डन. अब ये देखो यहां पे ना बाय करना था शेयर तो मैंने बोरो किया, यहां पे शॉर्ट सेल किया है बॉस, तो शॉर्ट सेल किया तो पैसा आ जाएगा इमीडिएटली, उसको क्या करूं, उसको आप इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड में. ये बाय शेयर्स और शॉर्ट फ्यूचर्स मैच्योरिटी पे कैंसल हो जाएगा, तो आपका नेट गेन क्या होगा, शॉर्ट सेल पे जो पैसा मिला, इंटरेस्ट जो मिला, लॉन्ग फ्यूचर्स जो है उतना आपका, वो तो आपको लॉन्ग फ्यूचर्स है तो बाय किया तो पैसा गया, बट डिविडेंड का भी पैसा आपका गया क्योंकि आपने शॉर्ट सेल किया, आपके पास शेयर्स है ही नहीं, आपने सेल कर दिया, तो वो जो डिविडेंड है, जो ओनर है उसको मिलेगा. बस ये फॉर्मूला लेके चलना है एंड यू विल गेट द आर्बिट्राज गेन. आपको चाहिए तो यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल लिया, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. स्पॉट प्राइस है 400, सिक्स मंथ फ्यूचर प्राइस है 40, डिविडेंड 5, ये 20%. मैं सबसे पहले थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कर लूंगा. मैंने थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकाला 435. सो आइडियल प्राइस होना चाहिए 435, बट कितने में मिल रहा है, आइडियल प्राइस होना चाहिए मेरा, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितना है 435, बट मार्केट में कितने में मिल रहा है, 407 में. देखो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, सो ऑब्वियसली थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज मोर, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज मोर देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस. अंडर वैल्यूड वाला सिचुएशन है, अंडर वैल्यूड वाले सिचुएशन में एएफपी कम है. अगर एएफपी कम में है तो आपको क्या करना है, वो फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग कर लिया, फिर शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट सेल कर लिया, फिर बाद में इन्वेस्ट कर लिया, इंटरेस्ट मिला, बाय शेयर्स सेल फ्यूचर्स दोनों कट, तो माइनस 407 क्योंकि वो मेरा फ्रीज प्राइस है उस दिन का, जिस दिन का एएफपी 407 है. 400 रुपीज का शेयर्स है तो वो मैंने उसी दिन पे शॉर्ट सेल कर लिया था, वो पैसा आ गया, इन्वेस्ट किया, उसका मेरे को इंटरेस्ट आया 40, पर जो डिविडेंड गया माइनस 5, फाइनली 28 रुपीज का मेरे को नेट गेन आ गया यहां पे. गॉट इट गाइस? अच्छा ये ध्यान रखना, ये 407 है, 7 आई थिंक मिस हो गया, इधर लिख लेना आप लोग 407. अब कोई भी सम डालो इधर, आपको देखना है भाई 6 मंथ फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो आज चल रहा है, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरा फॉर्मूला है S into 1 plus RT minus D, 435 आया, और 407 कौन सा सस्ता है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस सस्ता है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस सस्ता है, तो सस्ते को तो अपन बाय करेंगे, आज का आज ही लॉन्ग कर लो इसको, इसको लॉन्ग कर लिया तो शेयर्स, शॉर्ट सेल कर दिया, शॉर्ट सेल कर दिया तो पैसा आया, इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्ट आएगा इनकम, शॉर्ट सेल करने पे इनकम, लॉन्ग करने पे एक्सपेंस, तो ये मेरा माइनस, डिविडेंड अगर कुछ है तो माइनस, सब मिला के आपको जो मिलेगा
दैट विल बी योर आर्बिट्राज गेन एंड वाइस वर्सा अगर मेरा ए एफ टी ओवर वैल्यूड होगा तो. एंड विद दिस वी कंप्लीट द डेरिवेटिव्स एज वेल. क्या बोलता है पब्लिक, कैसा लगा, समझ में आया, मजा आया? डू शेयर इट इन योर कमेंट्स यार, लाइक देते रहो प्लीज, अच्छा लगता है. और आप लाइक देते हो ना तो क्या होगा पता है, गूग जो यूट्यूब है ना वो आपको और मेरे ऐसे वीडियोस देगा जिससे आपको बेनिफिट होगा. मेरे कोई थ्योरी के वीडियो मिल जाएंगे, मेरे और प्रैक्टिकल चीज के वीडियो. और मेरे को कमेंट में बताओ अब आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए, तो वो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करूंगा इमीडिएट बेसिस पर. और आपको कैसा लगा बताओ, है ना, आपको अच्छा लग रहा है तो लेट मी नो सो दैट आई कैन पुट अप मोर एफर्ट्स फॉर यू. चलो टाइम फॉर मीडियो से आस्ता ना विस्ता क्या, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम.